हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दोस्तों, इस टॉपिक को एमएससी में पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, बट बीएससी में कुछ राइटर्स या कुछ बुक में इस टॉपिक को पोस्टुलेट ऑफ वेव मैकेनिक्स भी लिखा गया है। तो इस टॉपिक का दूसरा नाम ये भी हो सकता है पोस्टुलेट्स ऑफ वेव मैकेनिक्स। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पढ़ना चाह रहे थे तो वो टॉपिक यही है। ठीक है, ये बात समझ लो। अब एक इम्पोर्टेंट बात वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इस नाम का क्या मतलब होता है। देखो, मैं आपको सिंपल बताऊं तो पोस्टुलेट कहने का मतलब यहाँ पे रूल्स है, वो रूल्स जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी थ्योरी को डेवलप करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए या उसके जो रिजल्ट आए उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में जिन रूल का यूज करते हैं उन रूल के सेट को हम इस टॉपिक में पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहे हैं। यानी पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक्चुअली वो रूल्स हैं जो किसी क्वांटम थ्योरी को डेवलप करने में, सॉल्व करने में या उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में हम यूज करते हैं, उन रूल्स को ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जब आप पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर नोट्स बनाओगे तो आप नोट्स में ये लाइनें नोट कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है, देयर आर सम बेसिक रूल्स विच आर कॉमनली यूज्ड टू डेवलप अ क्वांटम थ्योरी, कॉमा टू सॉल्व दिस क्वांटम थ्योरी एंड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ दिस क्वांटम थ्योरी फॉर एनी फिजिकल सिस्टम और एनी फिजिकल फिनोमिना फुल स्टॉप। सच बेसिक रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर नोन एज पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब इन लाइनों का मतलब भी समझ लो। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम फिजिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम फिजिक्स में किसी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो नेचर में आखिर एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या फिजिक्स काम कर रही है या कौन कौन से रूल काम कर रहे हैं जिसके वजह से नेचर में कोई फिजिकल फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अब फिजिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, एग्जांपल से समझते हैं। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम का मतलब होता है या तो एटम से या तो मॉलिक्यूल से या इसी साइज के किसी फिजिकल सिस्टम से। ठीक है, यानी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या इसी साइज का कोई और बॉडी हो सकती है जिसको हम जिसका स्ट्रक्चर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जानना चाहते हैं। ठीक है, और एनी फिजिकल फिनोमिना, यानी फिजिकल फिनोमिना क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो सकते हैं वो समझ लो। क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल फिनोमिना का बेस्ट एग्जांपल है एटम या मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम क्यों एग्जिस्ट करता है, ये एक फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, या एक और एग्जांपल हो सकता है फिजिकल फिनोमिना का कि रेडियो एक्टिव डीके, यानी जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली इमिट करता है तो उसे रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। और ये फिजिकल फिनोमिना नेचर में एग्जिस्ट क्यों हो रहा है या एग्जिस्ट क्यों करता है ये जानने की कोशिश भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ही करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आई होप आपको इन लाइनों में फिजिकल सिस्टम या फिजिकल फिनोमिना का मतलब समझ में आ गया होगा। अब पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये लाइनें मैंने क्यों नोट करवाई है उसका मतलब समझ। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से अगर मुझे किसी फिजिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना या किसी फिजिकल फिनोमिना के पीछे कि थ्योरी को एक्सप्लेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ रूल्स लेने पड़ेंगे जिन रूल्स की हेल्प से हम पहले एक क्वांटम थ्योरी को डेवलप करेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी फिजिकल सिस्टम के लिए हो या किसी फिजिकल फिनोमिना के लिए हो, पहले हम क्या करेंगे एक क्वांटम थ्योरी डेवलप करेंगे, फिर उस क्वांटम थ्योरी को इन्हीं रूल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे इन्हीं बेसिक रूल्स की हेल्प से उन रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे और फिर
क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो हमने फिजिकल सिस्टम लिया था उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या जिस फिजिकल फिनोमिना को हम क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहते थे उसके पीछे क्या थ्योरी यूज की गई है उसको एक्सप्लेन करने के। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये लाइनें लिखी थी। फिर आगे आप लिखोगे सर बेसिक रूल्स, यानी जो रूल्स वो कॉमन रूल्स है, वो रूल्स है पांच और वो कॉमन रूल है, वो पांच रूल किसी फिजिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज करने पड़ेंगे, और किसी फिजिकल फिनोमिना के पीछे कौन सी क्वांटम थ्योरी का हमने यूज किया है उस क्वांटम थ्योरी को डेवलप करने में, सॉल्व करने में और उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में भी वही बेसिक रूल का ही यूज करना पड़ेगा। तो जब ये रूल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक फिजिकल सिस्टम को, हर एक फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जब ये बेसिक रूल यूज हो रहे हैं, तो इस बेसिक रूल को हमने एक टाइटल दे दिया, उस बेसिक रूल के सेट को एक टाइटल दे दिया, उस टाइटल को हमने बोल दिया पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो फिर आप फुल स्टॉप करके लिख सकते हो सच बेसिक रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर नोन एज पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के इस वीडियो में हमें 5 पोस्टुलेट डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप नोट्स में ये भी लिख सकते हो देयर आर 5 पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको आप हेडिंग डाल सकते हो वेव फंक्शन। ठीक है, इस पोस्टुलेट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड पोस्टुलेट है उसको आप हेडिंग डालोगे ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सब बात करेंगे पोस्टुलेट सेकंड में। पोस्टुलेट थर्ड को आप हेडिंग डालोगे आइगन इक्वेशन। इस पोस्टुलेट थर्ड में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक आइगन इक्वेशन की हेल्प से ऑपरेटर और वेव फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और पोस्टुलेट फोर्थ को आप हेडिंग डालोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट फोर्थ के अंदर। और क्वांटम मैकेनिक्स का लास्ट पोस्टुलेट है टाइम डेवलपमेंट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम। इस लास्ट वाले पोस्टुलेट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फिजिकल सिस्टम टाइम के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, या टाइम के साथ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर वो चेंज कर रहा है, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे वेव फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, ये सब हम पोस्टुलेट 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। अब एक लास्ट बात और समझ लो कि ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के ये पांचों के पांच पोस्टुलेट हम डिटेल में स्टडी तो करेंगे इस वीडियो में, बट स्टडी करने के बाद इस वीडियो के लास्ट में हम हर एक पोस्टुलेट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि हर एक पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे काम करता है ये भी आप अच्छी तरह से समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट फर्स्ट के बारे में पढ़ना। तो अब बात कर लेते हैं पोस्टुलेट फर्स्ट की, जिसे आप टाइटल दे सकते हो वेव फंक्शन और स्टेट वेक्टर्स। और इस पोस्टुलेट फर्स्ट के नोट्स में आप लिख सकते हो इन क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ वेव फंक्शन फुल स्टॉप। This wave function can be represented as linear combination of eigen functions bracket में और eigen vectors bracket close for given physical system such that psi is equal to c1 psi1 plus c2 psi2 plus c3 psi3 plus up to plus cn psi n, where psi is equal to wave function for a physical system and psi1 psi2 psi3 up to psi n are the eigen functions for this physical system, where C1, C2, C3 up to CN are unknown constant numbers. ठीक है, तो postulate first की ये लाइनें आपको quantum mechanics में बता क्या रही हैं ये भी समझना जरूरी है। पर उससे पहले टाइटल में मैंने वेव फंक्शन को स्टेट वेक्टर क्यों बोला है, और एक लाइन में मैंने आइगन फंक्शंस को आइगन वेक्टर क्यों बोला है ये भी समझना जरूरी है। फिर बात करेंगे कि पोस्टुलेट फर्स्ट हमें क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बताता है।
ठीक है। अब जिन लोगों ने डिराक नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखी है उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने वेव फंक्शन को स्टेट वेक्टर क्यों बोला है और आइगन फंक्शन को आइगन वेक्टर क्यों बोला है। अगर आपने डिराक नोटेशन नहीं पढ़ी है तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया है, वीडियो का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स 24 डिराक नोटेशन, उसमें आप डिराक नोटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे समझ लो कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होते हैं उनको डिराक नोटेशन में, डिराक नोटेशन में हम वेव फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर बोलते हैं। अगर मैं वेव फंक्शन को साई से दिखा रहा हूं तो डिराक नोटेशन में स्टेट वेक्टर को एक स्पेशल नोटेशन साई कैट से दिखाते हैं। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से जो आइगन फंक्शंस होते हैं, आइगन फंक्शन यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम आइगन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आइगन फंक्शन को किससे दिखाया, साई वन साई टू साई थ्री अप टू साई एन से दिखाया। यानी एक आइगन फंक्शन को मैं अगर मैं साई आई से रिप्रेजेंट करूं तो डिराक नोटेशन में, डिराक नोटेशन में इस आइगन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं, आइगन वेक्टर। और इस आइगन फंक्शन को जब हम डिराक नोटेशन में आइगन वेक्टर बोलते हैं तो एक स्पेशल नोटेशन देते हैं, इसे मैं साई आई कैट से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्टुलेट फर्स्ट का जो टाइटल है वेव फंक्शन उसको मैंने स्टेट वेक्टर क्यों बोला है। और मैंने एक लाइन में आइगन फंक्शन को ब्रैकेट में और करके आइगन वेक्टर क्यों लिखा है, ठीक है। अब इन लाइनों का मतलब भी समझ लेते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन, इसका क्या मतलब है। देखो सिंपल सी बात है, आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो सिस्टम पढ़े होंगे वो कैसे सिस्टम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैम्बर होगा और उसके अंदर गैस भरी होगी, ठीक है, ये क्या है, गैस है और इसके साथ एक पिस्टन लगा है, ठीक है। अब ये एक फिजिकल सिस्टम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, पर इस फिजिकल सिस्टम की स्टेट हमें कैसे पता चलती है, इस सिस्टम का प्रेशर, इस सिस्टम का वॉल्यूम और इस सिस्टम के टेम्परेचर से। यानी अगर मुझे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसी सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर पता है तो मुझे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस सिस्टम की स्टेट का पता है। यानी स्टेट, ये पीवीटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ दिस सिस्टम, ये किसकी बात है, स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस सिस्टम की स्टेट मैं कैसे बताऊंगा, तो सिस्टम की स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल का उसी के उस एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम। यानी पोजीशन अगर मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर की है तो मोमेंटम भी मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग ही मेजर करना पड़ेगा। तो जो पोजीशन और मोमेंटम का इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है ये स्टेट ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है क्लासिकली। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम ना तो स्टेट ऑफ सिस्टम पीवीटी की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही स्टेट ऑफ सिस्टम हम पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को वेव फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और वेव फंक्शन को जनरली साई नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फंक्शन का ही यूज क्यों करते हैं, यानी साई जिसको हम यहाँ पे वेव फंक्शन बोल रहे हैं, सिर्फ वेव फंक्शन का ही यूज हम किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों करते हैं,
क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका रीजन समझो। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हम जिन फिजिकल सिस्टम से डील करते हैं वो क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं या न्यूक्लियाई होते हैं, ये सब हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के फिजिकल सिस्टम होते हैं जिन पे हमें डील करनी होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब ये जितने भी फिजिकल सिस्टम है ये क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स में डुअल नेचर शो करते हैं। अब ये डुअल नेचर क्या होता है वो समझो। डुअल नेचर मीन्स जो वेव्स होती हैं, वेव्स बिहेव लाइक पार्टिकल, यानी डुअल नेचर कहने का मतलब है कि डुअल नेचर में वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी एंड पार्टिकल बिहेव लाइक वेव्स। और डुअल नेचर का ये भी मतलब होता है कि जितने भी पार्टिकल है क्वांटम मैकेनिक्स के वो वेव्स की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास ऐसे फिजिकल सिस्टम है जो वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। तो मुझे ऐसे फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स की ऐसी फॉर्म चाहिए जो मैथमेटिक्स का फॉर्म हमें वेव नेचर को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करे और पार्टिकल नेचर को भी कैलकुलेट करने में हेल्प करे। तो मैथमेटिक्स का वो फॉर्म एक्चुअली वेव फंक्शन ही है। यानी इस वेव फंक्शन को अगर, मतलब किसी फिजिकल सिस्टम को अगर मैं इस वेव फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा तो इस वेव फंक्शन की हेल्प से उस फिजिकल सिस्टम का वेव नेचर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और पार्टिकल नेचर भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस वजह से ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक फिजिकल सिस्टम को वेव फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे नोट्स में लिखा है दिस वेव फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन फॉर गिवन फिजिकल सिस्टम सच दैट, यानी किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा वेव फंक्शन है उसको हम उसी फिजिकल सिस्टम के जो आइगन फंक्शंस हैं साई वन साई टू साई थ्री अप टू साई एन, जो उस फिजिकल सिस्टम के आइगन फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से मैं उस सिस्टम के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से। आप कहोगे समझाओ ये बात नहीं समझ आ रही, तो मैं बताऊं आपको कि जैसे मेरे पास एक फिजिकल सिस्टम है उसके आइगन फंक्शन मुझे साई वन मिल रहा है e की पावर x, दूसरा आइगन फंक्शन साई टू मिल रहा है e की पावर 2x, तीसरा आइगन फंक्शन मिल रहा है साई थ्री e की पावर 3x। ठीक है, तो ये अगर मैं कह रहा हूं कि क्या है आइगन फंक्शन ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, ठीक है, तो इस सिस्टम के वेव फंक्शन को हम इसके आइगन फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से। यानी इस फिजिकल सिस्टम का वेव फंक्शन साई वन कैसे लिख सकते हैं, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर 3x, इस तरह से। मैंने बताया भी है कि सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी एन आर अननोन कॉन्स्टेंट नंबर। अब ये नंबर रियल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लें कि सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेव फंक्शन होगा वो कैसे लिख सकते हैं, 2e की पावर x, यानी c1 की वैल्यू मैंने 2 दे दी प्लस c2 की वैल्यू हम दे देते हैं i e की पावर 2x प्लस c3 की वैल्यू हम दे सकते हैं 2 प्लस 3i e की पावर 3x। तो इस तरह से हम किसी सिस्टम के वेव फंक्शन को उस सिस्टम के आइगन फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आपको वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स के दो टॉपिक पढ़ सकते हो, एक पहला पार्टिकल इन अ बॉक्स और दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर। इन दोनों
क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक में आपको आइगन फंक्शंस के एक्सप्रेशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे और वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आइगन फंक्शन के टर्म में कैसे लिखते हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। शॉर्टकट तरीके से अगर मैं समझाऊं तो पार्टिकल इन अ बॉक्स में क्या होता है कि एक मेरे पास वन डायमेंशनल बॉक्स होता है जिसकी लेंथ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए होती है, और अगर मैं ये अज्यूम कर लू इस बॉक्स के अंदर एक मास एम का पार्टिकल ट्रैप्ड है, तो इस फिजिकल सिस्टम के लिए जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं क्वांटम नंबर पे। तो एन इक्वल टू वन क्वांटम नंबर के लिए इस फिजिकल सिस्टम का जो सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है वो है साई वन, और उसका एक्सप्रेशन होता है टू बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन। ऐसी एन इक्वल टू टू क्वांटम नंबर के लिए इस फिजिकल सिस्टम का जो सॉल्यूशन देखने के लिए हमें मिलता है वो होता है साई टू इज इक्वल टू अनरूट टू बाई ए साइन टू पाई एक्स अपॉन। और इसी तरह से n इक्वल टू थ्री क्वांटम नंबर के लिए इस फिजिकल सिस्टम का जो सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है साई थ्री इज इक्वल टू अनरूट टू बाई ए साइन थ्री पाई एक्स अपॉन। तो हम देख रहे हैं कि एक फिजिकल सिस्टम, ये फिजिकल सिस्टम क्या है, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। इस फिजिकल सिस्टम के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स में एक से ज्यादा सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं, और जब भी मुझे किसी फिजिकल सिस्टम के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं, आइगन फंक्शंस बोल देते हैं। और इस पार्टिकल इन अ बॉक्स जो ये फिजिकल सिस्टम है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वेव फंक्शन का यूज करेंगे, यानी हम जब इस पार्टिकल इन अ बॉक्स के फिजिकल सिस्टम को वेव फंक्शन साई की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये साई एक्चुअली साई वन साई टू साई थ्री का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी साई इज इक्वल टू होगा सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री। और ये सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, और सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी हमारे इस फिजिकल सिस्टम की स्टेट भी चेंज होती रहेगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। पार्टिकल इन अ बॉक्स के ऊपर मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर डिटेल में आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स की क्वांटम थ्योरी की स्टडी करनी है तो आप यूट्यूब पे टाइप करोगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, टाइप करोगे क्वांटम मैकेनिक्स 27 कॉमा पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ये वीडियो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो किसका, वेव फंक्शन का और आइगन फंक्शन का, वो है जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटम थ्योरी कैसी है कि अगर x इक्वल टू जीरो की ये पोजीशन है और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है, ये vx है। तो जब आप ये अज्यूम करोगे कि इस पोटेंशियल फंक्शन के अंदर एक पार्टिकल ऑफ मास m को हमने ट्रैप्ड किया है, तो क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं, और वो डिपेंड करते हैं अगेन नंबर पे जिन्हें हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो एन इक्वल टू जीरो क्वांटम नंबर के लिए जो इस फिजिकल सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है साई वन इज इक्वल टू एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पार वन बाई फोर ई की पार माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच क्रॉस, ठीक है, इसे साई जीरो बोल दो, ठीक है। इसी तरह से एन इक्वल टू वन क्वांटम नंबर के लिए इस फिजिकल सिस्टम का जो सॉल्यूशन आता है अगर मैं उसे साई वन से रिप्रेजेंट करूं तो उसका एक्सप्रेशन होता है एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पार फोर पार वन बाई फोर इंटू एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस की पार हाफ इंटू अंडर रूट टू इंटू एक्स ई की पार माइनस एम ओमेगा अपॉन टू एच क्रॉस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जब भी हमें किसी फिजिकल सिस्टम के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं
तो हम उन सॉल्यूशंस को क्वांटम थ्योरी में क्या बोल देते हैं, आइगन फंक्शंस बोल देते हैं। और जो आइगन फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ दो आइगन फंक्शन हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में मिले हैं। ये क्या है एक्चुअली, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, वन डायमेंशनल केस है, वन डी डायमेंशनल केस है। इसके ऊपर भी मैं इसके ऊपर भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स 27 की जगह 29 लिख देना और हार्मोनिक ऑसिलेटर सर्च मार देना, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी करते हैं क्वांटम थ्योरी से, तो भी हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं, साई जीरो, साई वन, साई टू, साई थ्री, इस तरह से सॉल्यूशन मिलते चले जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या है एक्चुअली, आइगन फंक्शंस है, ठीक है। और अगर मुझे इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन लिखना है, तो वेव फंक्शन साई क्या हो जाएगा, सी जीरो साई जीरो प्लस सी वन साई वन। इसी तरह से जैसे जैसे सॉल्यूशन हमें मिलते चले जाएंगे, इस वेव फंक्शन को हम उन आइगन फंक्शन के टर्म में लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो हमें बताता है कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन साई का यूज करूंगा। और ये वेव फंक्शन साई को हम लिखेंगे कैसे, उस फिजिकल सिस्टम के आइगन फंक्शन की हेल्प से लिखेंगे, यानी पार्टिकल इन अ बॉक्स में जो हमें आइगन फंक्शन देखने के लिए मिले, उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन ही उस फिजिकल सिस्टम का वेव फंक्शन हमें बताएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के जितने भी हमें आइगन फंक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, उसी की हेल्प से इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम वेव फंक्शन लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट फर्स्ट के आगे नोट्स में आप लिखोगे, द वेव फंक्शन एंड आइगन फंक्शन ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं किसी फिजिकल सिस्टम को एक वेव फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो वेव फंक्शन कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी मैं उस वेव फंक्शन की हेल्प से फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इसी तरह से अगर मुझे किसी फिजिकल सिस्टम के एक से ज्यादा आइगन फंक्शन मिलते हैं और वो आइगन फंक्शन कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तभी मैं उन आइगन फंक्शन का यूज उस वेव फंक्शन को बनाने में करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और वो रूल क्या है वो भी समझ लो। फर्स्ट रूल ये है कि वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज, मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। इसका क्या मतलब है वो समझ लो। देखो, जो मैंने वेव फंक्शन लिया था उसे मैंने साई से रिप्रेजेंट किया था, और साई अगर नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मतलब होता है कि साई का उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार से अगर मैं प्रोडक्ट करूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं ओवर ऑल स्पेस, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारा वेव फंक्शन होल्ड करता है या सेटिस्फाई करता है, तब जाके मैं इस वेव फंक्शन साई की हेल्प से क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अब इस वेव फंक्शन, इस इंटीग्रेशन को हम डिराक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन मैंने लिखा है साई स्टार साई dx, तो इसे डिराक नोटेशन में हम साई इंटू साई इस तरह से लिखते हैं। और इस डिराक नोटेशन का मतलब इस इंटीग्रेशन से ही होता है, यानी डिराक नोटेशन में अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि जो मेरा वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है, तो मैं इसे साई साई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 लूंगा, या इसी को यहाँ पे भी लिख देते हैं और साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू अगर हमें 1 मिल रही है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इसका मतलब हमारा जो वेव फंक्शन साई है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है आइगन फंक्शंस ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, या यहां से आगे आप ये लिख सकते हो ऑल आइगन फंक्शंस, ठीक है, सभी की बात होगी, ऑल आइगन फंक्शंस ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम मस्ट बी ऑर्थोनॉर्मल, मस्ट बी ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर।
अब इसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वेव फंक्शन साई को कैसे रिप्रेजेंट किया था। साई इज इक्वल टू सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री प्लस अप टू सी एन साई एन। ठीक है, तो जो साई वन साई टू साई थ्री अप टू साई एन है, ये क्या है, आइगन फंक्शन है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऑल आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोनॉर्मल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि साई वन का साई वन के साथ इनर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, साई वन स्टार इंटू साई वन का इंटीग्रेशन इक्वल टू वन आना चाहिए। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जो मैंने ऊपर बताई है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, और अगर मैं साई वन का किसी दूसरे वेव फंक्शन, दूसरे आइगन फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं साई वन का साई टू के साथ इनर प्रोडक्ट कर रहा हूं, यानी इंटीग्रेशन साई वन यानी जो पहला नंबर आया है, जो पहला फंक्शन आया है उसका मुझे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, और जो दूसरा फंक्शन आया है उसका मुझे मल्टीप्लाई कर देना है और इंटीग्रेशन करना है, जो ये इंटीग्रेशन होगा वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, यानी साई वन का किसी दूसरे फंक्शन के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होना चाहिए। इसे कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है कि साई आई साई आई यानी जब दोनों आइगन फंक्शन सेम हो तो उनका इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, यानी उन दोनों का इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन वन के इक्वल होना चाहिए। और जब दो अलग आइगन फंक्शन हमें मिले उनका इनर प्रोडक्ट, यानी एक मेरे पास आइगन फंक्शन आई है साई आई है और दूसरा आइगन फंक्शन मेरे पास साई जे है, यानी जब दोनों आइगन फंक्शन डिफरेंट होते हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। अगर मेरे पास किसी फिजिकल सिस्टम के इस कंडीशन को होल्ड करने वाले आइगन फंक्शन होंगे तभी मैं उस फिजिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, अदरवाइज मैं उस फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए इन आइगन फंक्शन का यूज नहीं करूंगा, बिकॉज आइगन फंक्शन वही यूजफुल होंगे जो इन ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन को होल्ड करेंगे, अदरवाइज हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे आइगन फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। यानी क्लियर होनी चाहिए ये बात कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ उन्हीं वेव फंक्शन का यूज करेंगे किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नॉर्मलाइज होंगे, यानी जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, और इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन आइगन फंक्शन का यूज करेंगे जो इन ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन को होल्ड करें। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट की, इसका टाइटल दे सकते हो ऑपरेटर्स। ठीक है, और नोट्स में लिख सकते हो टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक पोजीशन मोमेंटम एनर्जी एटीसी फ्रॉम अ वेव फंक्शन वी यूज सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन दिस वेव फंक्शन, सच मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। इन क्वांटम मैकेनिक्स मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर्स आर। अब इन लाइनों का क्या मतलब है वो समझो। देखो, जो क्वांटम मैकेनिक्स का सेकेंड पोस्टुलेट है वो हमें बताता है कि अगर मैं किसी फिजिकल सिस्टम को वेव फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं उस वेव फंक्शन की हेल्प से कैसे उस फिजिकल सिस्टम की पोजीशन मोमेंटम और एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, उसके बारे में ये सेकंड पोस्टुलेट हमें बताता है। सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर मुझे किसी वेव फंक्शन की हेल्प से पार्टिकल की पोजिशन को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक अलग से ऑपरेटर यूज करना होगा जिसे हम पोजिशन ऑपरेटर कहते हैं। अगर मुझे वेव फंक्शन की हेल्प से किसी पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए एक ऑपरेटर होता है जिसे हम मोमेंटम ऑपरेटर कहते हैं। और इसी तरह से अगर मुझे किसी वेव फंक्शन की हेल्प से पार्टिकल की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो वेव फंक्शन की हेल्प से पार्टिकल की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो इस तरह से क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती है या क्वांटम मैकेनिक्स के ये पोस्टुलेट सेकंड हमें ये बताता है कि वेव फंक्शन की हेल्प से अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है तो मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर बोलता हूं। ठीक है,
यही लाइने मैंने लिखी है, ठीक है। अब इन क्वांटम मैकेनिक्स मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर्स आर, तो मैं बताऊं क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर है उनमें जो सबसे फर्स्ट ऑपरेटर है वह है पोजिशन ऑपरेटर, पोजिशन ऑपरेटर। और मैं आपको बताऊं कि सारे ऑपरेटर को उनके ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पोजिशन ऑपरेटर एक्स को एक्स कैप रिप्रेजेंट करूंगा, कैप क्या रिप्रेजेंट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को। इसी तरह से वाई के ऊपर कैप लगा रहा हूं, यानी वाई भी एक पोजिशन ऑपरेटर है, और जेड के ऊपर कैप लगा रहा हूं, इसका मतलब जेड भी एक पोजिशन ऑपरेटर है। ये पोजिशन ऑपरेटर है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीनों क्या है पोजिशन ऑपरेटर है। और अगर मैं पोलर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो वहां पे पोजिशन ऑपरेटर क्या होगा आर कैप होगा। आर कैप क्या है पोजिशन ऑपरेटर किसमें स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पोजिशन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं वो भी देख लो एक एग्जांपल की हेल्प से। अगर मैं कहूं कि एक्स ऑपरेटर एक वेव फंक्शन में ऑपरेट हुआ तो इसका काम है कि एक्स का एक्स वेरिएबल का मल्टीप्लाई इस साई से करना, यानी रिजल्ट आएगा एक्स इंटू साई। अगर आर पोजिशन ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट हो रहा है इसका मतलब आर वेरिएबल का मल्टीप्लाई साई से। तो इस तरह से पोजिशन ऑपरेटर का काम सिंपली क्या होता है फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात। क्वांटम मैकेनिक्स का जो सेकंड मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर है वो है मोमेंटम ऑपरेटर। और क्लासिकली हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है पार्टिकल का वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट यानी एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में तीनों ही डायरेक्शन में मोमेंटम के कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। यानी मोमेंटम को मैं पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये क्लासिकली मोमेंटम के तीन कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स में भी मोमेंटम ऑपरेटर के तीन एक्सप्रेशन होंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन पी एक्स ऑपरेटर, ये मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा आई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। इसी तरह से मोमेंटम ऑपरेटर का वाई कंपोनेंट क्या होगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई। इसी तरह से मोमेंटम ऑपरेटर का जेड कंपोनेंट क्या होगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड, ठीक है। अगर आपको पार्टिकल का टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसका ऑपरेटर कैसे लिखते हैं बताता हूं कि अगर मैं पी का पी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो रिजल्ट आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अब पी डॉट पी को एक्चुअली मैं मैथमेटिकली पी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो पी स्क्वायर क्या हो गया पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऑपरेटर से रिप्लेस कर दूं यानी पी एक्स पी वाई पी जेड को ऑपरेटर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूं तो इनके ऊपर कैप लगानी पड़ जाएगी। तो अगर ये तीनों ऑपरेटर हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेटर बन गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दूं तो पी एक्स का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब पी वाई का के ऑपरेटर का स्क्वायर करोगे तो अगेन ये भी क्या होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर। और ऐसी पी जेड ऑपरेटर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। ये आपका मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर का फाइनल एक्सप्रेशन है। मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स में डेल्टा
स्क्वायर ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब P ऑपरेटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। तो टोटल मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर का एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स में। अब अगर स्क्वायर का एक्सप्रेशन ऐसा है, इसका मतलब ये P यानी टोटल मोमेंटम ऑपरेटर का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो होगा माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा, इस तरह से लिख सकते। अब इस डेल्टा का क्या मतलब है वो देखो, इस डेल्टा का मतलब हो जाता है ऑटोमेटिकली डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये आई कैप जे कैप के कैप को ये डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड के एक्सप्रेशन के आगे भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो कहने का मतलब है मोमेंटम ऑपरेटर की जितनी भी फॉर्म क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जिस्ट करती है वो सारी फॉर्म मैंने आपको नोट करवा दी है। क्वांटम मैकेनिक्स का थर्ड मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अगेन ये ऑपरेटर क्लासिकल थ्योरी से ही बना है। क्लासिकल थ्योरी में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। या मैं इसे मोमेंटम के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम। और हम जानते हैं कि मोमेंटम पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम। यानी क्लासिकली हम काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन जानते हैं वो क्या है मोमेंटम के टर्म में पी स्क्वायर अपॉन टू एम। अब क्योंकि मुझे मोमेंटम का ऑपरेटर फॉर्म पता है तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन टू है। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि पी स्क्वायर का जो मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन था वो था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, अभी बताया। तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन हो गया। तो जो नेक्स्ट मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी को मीजर करता है। तो आप ये लाइन लिख सकते हो इट मीजर टोटल एनर्जी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। अब इसका ऑपरेटर कैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हम बना सकते हैं वो समझो। देखो क्लासिकली हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के। और मैं आपको बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी अभी हम देख चुके हैं उसका एक्सप्रेशन होता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम, यहां पी क्या है मोमेंटम और एम क्या है मास। और पोटेंशियल एनर्जी में आपको बताऊं कि अलग अलग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है, आप कहोगे कैसे, तो एग्जांपल बताता हूं। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स। इस फिजिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं वी से रिप्रेजेंट करूं तो उसका एक्सप्रेशन होता है जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। थर्ड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो था 1/4 πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। तो हम यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन भी चेंज होता है, यानी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा।
तो क्योंकि मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी फिक्स नहीं है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हर सिस्टम की इतनी ही मिलेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग मिलेगी, और वो एक्चुअली क्या होगा, फंक्शन होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजिशन हो सकता है या फंक्शन ऑफ पोजिशन इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो सकता है। देखो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ आर। तो कहने का मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी किसी फिजिकल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअली एक फंक्शन होता है, यानी ये क्या है, फंक्शन। और क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी फंक्शन होते हैं वो भी ऑपरेटर ही होते हैं, ये बात आप याद रखें, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी फंक्शन होंगे वो ऑपरेटर की तरह काम करेंगे। अभी हम देख चुके हैं जैसे एक्स वाई जेड जो पोजिशन ऑपरेटर थे वो भी तो एक तरह से फंक्शन ही थे, एक्स वाई जेड या आर, इनका काम क्या था, सिर्फ मल्टीप्लाई होना। तो जब मैं इनको ऑपरेटर ट्रीट कर सकता हूं तो मैं इस टाइप के फंक्शन को क्यों नहीं ऑपरेटर ट्रीट करूंगा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा वो उस फिजिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा इस तरह से। अब मुझे पता नहीं है कि हमने कौन सा फिजिकल सिस्टम यूज कर रखा है, तो मैं उसकी जगह पे सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन वी ले लेता हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फिजिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को, ठीक है। अब हम जानते हैं ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। अब एक बात आपको मैं बताऊं कि क्लासिकली टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे मोमेंटम क्या है, ऑपरेटर है, और मैं पहले ही बता चुका हूं जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर होता है। तो इस साइड दोनों ऑपरेटर है, इसका मतलब टोटल एनर्जी को भी मैं ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है उसे ही हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, उसे मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूं, एच मीन्स हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो एच का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, आपको मैं बता दूं, अभी मैंने बताया था कि मोमेंटम ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का फंक्शन। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फाइनल एक्सप्रेशन ये था, ठीक है, इसको आप नोट करें। एक और मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसे हम एनर्जी ऑपरेटर बोलते हैं और ई कैप से दिखाते हैं, और इसका एक्सप्रेशन होता है ई कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की, जिसे आप हेडिंग दे सकते हो आइगन इक्वेशन और श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। और पोस्टुलेट थर्ड के नोट्स में आप लिख सकते हो, इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स फॉर एनी फिजिकल सिस्टम। बाय द हेल्प ऑफ आइगन इक्वेशन कॉमा कैलकुलेटेड आइगन फंक्शंस रिप्रेजेंट द क्वांटम स्टेट ऑफ दिस फिजिकल सिस्टम एंड कैलकुलेटेड आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी फॉर दिस फिजिकल सिस्टम। मैंने इस थर्ड पोस्टुलेट को हेडिंग आइगन इक्वेशन क्यों दी है, या फिर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थर्ड पोस्टुलेट की हेडिंग मैंने क्यों रखी है, इसका क्या मतलब है वो भी समझाऊंगा। और पोस्टुलेट थर्ड में अगर नोट्स में आप ये लाइन लिखते हो तो इसका क्या मीनिंग है क्वांटम मैकेनिक्स में वो भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले पोस्टुलेट थर्ड की हेडिंग आइगन इक्वेशन का क्या मतलब होता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो समझो। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन या किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है और इस फंक्शन या वेव फंक्शन को अनचेंज करे बिना एक कांस्टेंट टर्म लैम्डा देता है, तो इस टाइप की इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में हम आइगन इक्वेशन बोलते हैं। यानी ये क्या है, दिस इज अ आइगन इक्वेशन, क्लियर हो गई बात। इस आइगन इक्वेशन में हमने क्या अज्यूम किया है कि ए हमारा क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। और जो ये वेव फंक्शन है ये अभी के लिए जब तक हम इस
आइगन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक के लिए ये वेव फंक्शन एक अननोन वेव फंक्शन है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, अननोन वेव फंक्शन है। और इस इक्वेशन में जो लैम्डा कांस्टेंट टर्म है उसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। और इन तीनों के ही पीछे आप ये लिख सकते हो ऑफ अ फिजिकल सिस्टम, यानी जो ऑपरेटर है वो भी किसी फिजिकल सिस्टम का ही है, जो वेव फंक्शन है वो भी उस फिजिकल सिस्टम का है, और जो आइगन वैल्यू ऑपरेटर कैलकुलेट कर रहा है वो भी उसी फिजिकल सिस्टम की आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो रहा आइगन इक्वेशन का मतलब क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। कुछ बुक में इस आइगन इक्वेशन को लिखने के और भी तरीके हैं, कैसे कि ए ऑपरेटर साई माइनस लैम्डा साई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं लैम्डा साई को इस साइड ले आ रहा हूं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ऑपरेटर माइनस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज इनटू साई इज इक्वल टू जीरो। तो आप इस इक्वेशन को या तो ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा ऑपरेटर है वो मैट्रिक्स फॉर्म में है और जो वेव फंक्शन है वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो जो आइगन इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, आप लिखोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म आइगन इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू साई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यह है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ आइगन इक्वेशन। इन दोनों आइगन इक्वेशन में डिफरेंस समझ लो कि अगर आइगन इक्वेशन सिंपल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखी है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं उनके फॉर्म में लिखी है, तो वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। या एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि ए ई की पावर आई के एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, ठीक है। यानी अगर आइगन इक्वेशन नॉन मैट्रिक्स फॉर्म की है जो मैंने पहले बताई थी, ठीक है, लेकिन जो आइगन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म की है उसमें मैं आपको बताऊं कि जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो या तो 1 0 0 1 होगी या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगी या फिर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप की होगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस भी फॉर्म की होगी उसी फॉर्म का ऑपरेटर ए होगा, यानी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की हुई तो जो हमारा ऑपरेटर है वो भी 2x2 की मैट्रिक्स का होगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की है तो जो ऑपरेटर ए होगा वो 3x3 मैट्रिक्स का होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 4x4 की है तो जो मेरा ऑपरेटर ए होगा वो 4x4 मैट्रिक्स का होगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं बताऊं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने बता दिया ऑपरेटर के बारे में, लेकिन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की हुई तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो C1 C2 इस टाइप का मैट्रिक्स होगा। अगर मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की हुई तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो C1 C2 C3 इस टाइप की कॉलम मैट्रिक्स होगा। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की है तो हमारा जो वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आएगा वो भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा और वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगी 4 एलिमेंट की, C1 C2 C3 एंड C4 इस टाइप से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हमारी आइगन इक्वेशन ऐसी है तब भी मुझे वेव फंक्शन और आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। यानी अगर हमारी आइगन इक्वेशन इस फॉर्म की भी है तब भी हम इस इक्वेशन की हेल्प से आइगन फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मेरी आइगन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म की भी होगी तो उस केस में भी हम आइगन
फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आइगन वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी लैम्डा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट्स में मैंने क्या लाइनें लिखी हैं, उन लाइनों का मतलब भी समझ लेते हैं। मैंने नोट्स में लिखवाया है, इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज एंड ऑपरेटर फॉर एनी फिजिकल सिस्टम। यानी अगर क्वांटम मैकेनिक्स में मुझे किसी फिजिकल सिस्टम की आइगन इक्वेशन अगर मैंने लिख ली है, तो मैं उस आइगन इक्वेशन की हेल्प से उस फिजिकल सिस्टम के लिए आइगन फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकता हूं, आइगन वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकता हूं और ऑपरेटर भी कैलकुलेट कर सकता हूं। आप कहोगे कैसे? तो इस आइगन इक्वेशन की, चाहे इस आइगन इक्वेशन की बात कर लो चाहे इस आइगन इक्वेशन की बात कर लो, इन दोनों ही आइगन इक्वेशन में अगर मेरे पास कोई एक भी चीज पता है, यानी अगर मेरे पास साई पता है, तो मैं साई की हेल्प से लैम्डा और ऑपरेटर को कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मेरे पास लैम्डा पता है इस आइगन इक्वेशन में, तो मैं लैम्डा की हेल्प से ऑपरेटर और वेव फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। और अगर इस इक्वेशन में, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूं, और इस इक्वेशन में अगर मुझे ऑपरेटर का पता है, तो मैं उस ऑपरेटर की हेल्प से उस फिजिकल सिस्टम के लिए आइगन फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकता हूं और आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी इस इक्वेशन में, चाहे ऊपर की इक्वेशन हो चाहे नीचे की इक्वेशन हो, किसी एक टर्म के बारे में अगर मुझे पता है, तो मैं बचे हुए दो टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं। इस आइगन इक्वेशन की ये खास बात होती है। क्लियर हो गई बात? फिर आगे मैंने लिखा है, बाय द हेल्प ऑफ आइगन इक्वेशंस कैलकुलेटेड आइगन फंक्शंस रिप्रेजेंट द क्वांटम स्टेट्स, द क्वांटम स्टेट्स, ठीक है, ऑफ दिस फिजिकल सिस्टम एंड कैलकुलेटेड आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फॉर दिस फिजिकल सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस आइगन इक्वेशन को या इस आइगन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो सोल्यूशन में लैम्डा की एक वैल्यू नहीं मिलती है, कई सारी वैल्यू मिलती है, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, अप टू लैम्डा एन। और जब हम इन दोनों में से किसी एक आइगन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो एक आइगन फंक्शन नहीं मिलता, कई सारे आइगन फंक्शन मिलते हैं, यानी साई की एक वैल्यू नहीं, कई सारी वैल्यू मिलेंगी, साई वन, साई टू, साई साई थ्री, साई एन, ठीक है। तो क्योंकि आइगन इक्वेशन हमने एक ली थी, बट उसको सॉल्व करने के बाद मुझे आइगन वैल्यू की भी बहुत सारी वैल्यू मिल रही है और आइगन फंक्शन की भी बहुत सारे एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, इस वजह से मैं इस आइगन इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, ए साई आई इज इक्वल टू लैम्डा आई साई आई, ऐसे लिख सकता हूं। और यहां बता सकते हो वेयर साई आई आर आइगन फंक्शंस। ये रिजल्ट कब आया, जब मैंने इस आइगन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। क्लियर हो रही है बात? तब जाके मुझे ये पता चला कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक आइगन फंक्शन नहीं होगा, कई सारे आइगन फंक्शन होंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक आइगन वैल्यू नहीं होगी, कई सारी आइगन वैल्यू होगी। और यहां पे क्या होगा, लैम्डा आई क्या है, आइगन वैल्यू, ठीक है। जो भी इस आइगन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आइगन फंक्शंस आएंगे, वो क्वांटम मैकेनिक्स में उस सिस्टम की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रही है बात? वही लाइन लिखी है, आइगन फंक्शन रिप्रेजेंट क्वांटम स्टेट ऑफ दिस फिजिकल सिस्टम। यानी जो भी आइगन फंक्शन आएंगे, ये सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस आइगन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आइगन वैल्यूज हमें देखने के लिए मिलेंगी, वो आइगन वैल्यूज फिजिकल सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू होंगी। फिजिकल क्वांटिटी मींस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एटम है, तो एटम की एनर्जी की वैल्यू होंगी। क्लियर हो गई बात? मेरे पास कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो सकता है ये आइगन वैल्यूज, या पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो सकता है ये आइगन वैल्यूज। यानी ये जो आइगन वैल्यूज होती है, जिसे हम इस आइगन इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। वो फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये लैम्डा वन टू थ्री फोर अप टू एन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या रिप्रेजेंट कर सकता है पोजीशन और मोमेंटम और एनर्जी और
एंगुलर मोमेंटम मतलब जो भी आइगन वैल्यू होंगी वो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लियर हो रही बात? तो यही इन लाइनों का मतलब था। मैंने पोस्टुलेट थर्ड की हेडिंग में श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी लिखा है। ये क्यों लिखा है वो समझ लो। एक्चुअली श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनती कब है? जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी अननोन वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है और सिस्टम की टोटल एनर्जी ई देता है और वेव फंक्शन साई को अनचेंज रहने देता है। ठीक है, ये क्या है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। वेयर एच क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और आपको मैं बता चुका हूं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल्टा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह की आइगन इक्वेशन ही है। ध्यान से देखो जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी अननोन वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है तो एक कांस्टेंट टर्म ई देता है और वेव फंक्शन को अनचेंज रहने देता है। और अगर आप इस आइगन इक्वेशन में ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दोगे, यानी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ये ब्रैकेट क्लोज इनटू साई इज इक्वल टू ई साई, ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन है भाई। यानी पोस्टुलेट थर्ड की हेडिंग हम ये भी दे सकते हैं कि पोस्टुलेट थर्ड एक्चुअली टाइम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन है वो अगर आएगा तो वो फंक्शन होगा सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट के, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। क्लियर हो गई बात? इसी वजह से इसे हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि जब मैं किसी फिजिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन इक्वेशन लिखूंगा तो वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन इक्वेशन एक्चुअली क्या है? श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे हुई, तो मैं इसको डेल्टा ऑपरेटर का एक्सप्रेशन खोल दूं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है, फिर 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू साई प्लस वी साई, ठीक, इज इक्वल टू ई साई। यही तो है हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो इस वजह से आप पोस्टुलेट थर्ड की हेडिंग या तो आइगन इक्वेशन लिख सकते हो या श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिख सकते हो। यानी इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल सिस्टम की के आइगन फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उन आइगन फंक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट्स में जब आप पोस्टुलेट थर्ड की हेडिंग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखोगे तो नोट्स में क्या लिखोगे, इन क्वांटम मैकेनिक्स STIE, इसका मतलब क्या है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन आइगन फंक्शंस एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर एनी फिजिकल सिस्टम। क्योंकि हमें पता है कि जब हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करता क्या है, आइगन फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकता है और एनर्जी आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का काम क्या होता है, एनर्जी को कैलकुलेट करना। अब एनी फिजिकल क्वांटिटी की जगह आप क्या लिखोगे, एनर्जी को कैलकुलेट करना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का काम। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए आप नोट्स में क्या लिखोगे, इन क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन आइगन फंक्शंस एंड एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर एनी फिजिकल सिस्टम। यानी जब भी हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे तो उस आइगन इक्वेशन की हेल्प से हम उस फिजिकल सिस्टम के लिए आइगन फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, और एनर्जी आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखोगे, बाय द हेल्प ऑफ आइगन इक्वेशन
कैलकुलेटेड आइगन फंक्शंस रिप्रेजेंट द क्वांटम स्टेट ऑफ दिस फिजिकल सिस्टम। तो जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद आप उस फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले आइगन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। एंड कैलकुलेटेड आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ई फॉर दिस फिजिकल सिस्टम। और जो इस आइगन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आइगन वैल्यूज आएंगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स में उस फिजिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी की आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से आप जब पोस्टुलेट थर्ड की हेडिंग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखोगे, तो आप नोट्स में ये लाइन ही लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टुलेट फोर्थ की, जिसे आप हेडिंग दे सकते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या ब्रैकेट में आप एवरेज वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही लिखना, बिकॉज ये क्वांटम मैकेनिकल टर्म है और जो ये एवरेज वैल्यू है ये क्लासिकल टर्म है, ठीक है। अब पोस्टुलेट फोर्थ में आप नोट्स में क्या लिख सकते हो, तो आप नोट्स में लिख सकते हो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी सी दैट वेव फंक्शन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम कंसिस्ट नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस एंड वी नो दैट आइगन वैल्यूज फॉर डिफरेंट आइगन फंक्शंस आर जनरली डिफरेंट। इसका क्या मतलब है, तो अभी मैंने आइगन इक्वेशन में समझाया था कि जब हम आइगन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मुझे कई सारे आइगन फंक्शंस भी मिलते हैं और कई सारी आइगन वैल्यू भी मिलती हैं, और वो सब आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन इस कॉमन इक्वेशन को फॉलो करते हैं। यानी जब ए ऑपरेटर साई वन पे ऑपरेट होगा तो एक आइगन वैल्यू लैम्डा वन देगा और साई वन अनचेंज रहेगा, और जब यही सेम ऑपरेटर किसी दूसरे आइगन फंक्शन साई टू पे ऑपरेट होगा तो एक नेक्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा टू देगा और साई टू को अनचेंज रखेगा। इसी तरह से ये ऑपरेटर ए जब किसी थर्ड आइगन फंक्शन साई थ्री पे ऑपरेट होगा तो एक नई आइगन वैल्यू लैम्डा थ्री देगा और वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन साई थ्री को अनचेंज रहने देगा। इसी तरह से ऑपरेटर ए सभी आइगन फंक्शन पे काम करेगा। यानी हम इन एक्सप्रेशन से ये देख रहे हैं कि अलग अलग आइगन फंक्शंस की अलग अलग आइगन वैल्यू हमें देखने के लिए मिलती है, यही ऊपर वाली लाइनों का मतलब है। अब अगर ऐसा ट्रू है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है क्वांटम मैकेनिक्स में, बट इफ ऑपरेटर ए मेजर्ड ऑन स्टेट साई, और हम जानते हैं कि किसी फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन साई को लिखने का तरीका क्या है, सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री प्लस अप टू प्लस सी एन साई एन, या साई वन साई टू साई थ्री अप टू साई एन क्या है, उस फिजिकल सिस्टम के आइगन फंक्शंस है, और सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी एन क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब ये ऑपरेटर ए इस वेव फंक्शन किसी सिस्टम के वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होगा तब क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जब ए ऑपरेटर साई पे ऑपरेट हो रहा है इसका मतलब वो साई वन पे भी ऑपरेट हो रहा है, साई टू पे भी ऑपरेट हो रहा है, साई थ्री पे ऑपरेट हो रहा है, इसी तरह से वो हर एक आइगन फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है अगर वो इस वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब जब भी वो साई पे ऑपरेट होगा तब तो मुझे लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अप टू लैम्डा एन सारी आइगन वैल्यू देखने के लिए मिलेंगी, बट ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, आइगन इक्वेशन में हो क्या रहा है, जब भी ऑपरेटर ए साई पे ऑपरेट होना चाहिए तो मुझे केवल एक आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए, बट जब भी इस कंडीशन में ऑपरेटर ए इस वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होगा मुझे कई सारी आइगन वैल्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो कौन सी आइगन वैल्यू हमारा रिजल्ट होगा ये भी तो समझना जरूरी है। तो फिर आगे नोट्स में क्या लिखा है, देन व्हाट विल बी मेजर्ड, देन व्हाट विल बी मेजर्ड, व्हाट विल बी द मेजरमेंट। तो जब भी ऑपरेटर ए इस साई पे मेजर साई पे ऑपरेट होगा तो क्या मेजरमेंट हम यूज करेंगे वो समझना जरूरी है। तो आगे नोट्स में लिखा है दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए, दिस रिप्रेजेंट बाय सिंबल ए एंगल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब है जब भी हम किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेटर का यूज करते हैं तो मुझे कई सारी आइगन वैल्यू देखने के लिए मिलती है। अब उन कई सारी आइगन वैल्यू में मैं कौन सी आइगन वैल्यू को अपना रिजल्ट मानूंगा ये हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, ए एंगल ब्रैकेट के अंदर, यानी ए इस एंगल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन स्टेट साई, इन स्टेट साई। और उसका फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई इंटू डी एक्स
का होल इंटीग्रेशन अपॉन साई स्टार साई डी एक्स का इंटीग्रेशन, इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे। ये तो जनरल फॉर्म होगी। डिराक नोटेशन में इस इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका क्या है, देखो सिंपल सी बात है, साई क्या है हमारा वेव फंक्शन है, तो डिराक नोटेशन में इस वेव फंक्शन को कैसे लिखते हैं, साई कैट से लिखते हैं। साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन, और डिराक नोटेशन में इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को कैसे लिखते हैं, साई ब्रा लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो साई स्टार है उसको मैंने साई ब्रा लिखा है, और जो साई है उसे मैंने साई कैट लिखा है, और बीच में ऑपरेटर भी है। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन को हम डिराक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे वाले इंटीग्रेशन को साई स्टार की जगह मैंने साई ब्रा लिखा है, और साई की जगह साई कैट लिखा है, और इस तरह से हम नीचे वाले इंटीग्रेशन को डिराक नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है कि किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है, तो हम किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कभी कभी तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और कभी कभी किसी ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। ये फॉर्मूले में मैंने अगेन ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू वन टू एन पी ब्रैकेट में लैम्डा आई इंटू लैम्डा आई लिखा है। देखो यहाँ पे जो आई की वैल्यू 1 से एन जा रही है, ये एक्चुअली क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स है, यानी जितनी आइगन स्टेट्स होंगी हमें उतने बार सम करना पड़ेगा अलग अलग टर्म का। इस फॉर्मूले में पी लैम्डा आई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग आइगन वैल्यू लैम्डा आई व्हेन ऑपरेटर ए ऑपरेटेड ऑन वेव फंक्शन साई। कहने का मतलब है जब ऑपरेटर ए वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसकी आइगन वैल्यू हमें लैम्डा आई मिले, तो उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया है पी ब्रैकेट में लैम्डा आई टर्म से। क्लियर होगी बात, लैम्डा आई तो मैं बता ही चुका हूं क्या है, लैम्डा आई आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शन साई आई, क्योंकि हम जानते हैं कि आइगन इक्वेशन कैसी होती है कि जब ऑपरेटर ए साई आई पे ऑपरेट होगा तो लैम्डा आई आइगन वैल्यू देगा और साई आई फंक्शन को अनचेंज रहने देगा, और आई क्या है 1 2 3 4 अप टू एन नंबर है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्मूले में पी लैम्डा आई को कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा आई कैसे मिलेगा वो तो इस फॉर्मूले से दिख रहा है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग लैम्डा आई आइगन वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है वेयर पी लैम्डा आई का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि जगह चाहिए, पी लैम्डा आई एक्सप्रेशन होगा इंटीग्रेशन साई आई, यानी जिसकी आइगन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसी के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन लिखना होगा, फिर वेव फंक्शन लिखना होगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना होगा। जो पहला फंक्शन होगा यानी लैम्डा आई के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा उसका मुझे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा, यानी साई आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा, और फिर इसका होल स्क्वायर कर देना होगा अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीएक्स करना होगा, ये काम करना होगा। ठीक है, अगर डिराक नोटेशन में इस फॉर्मूले को देखोगे तो क्या होगा, पहले तो मुझे अगेन ऊपर वाले इंटीग्रेशन का मतलब साई आई और साई का इनर प्रोडक्ट यही हुआ, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन साई साई का इनर प्रोडक्ट, डिराक नोटेशन में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए भी किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जब मैं लास्ट में एग्जांपल यूज करूंगा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के सारे पोस्टुलेट को समझाने के लिए, तो उस एग्जाम्पल में मैं किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टुलेट फिफ्थ की, जिसे आप हेडिंग दे सकते हो टाइम डेवलपमेंट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम, या आप एक दूसरी हेडिंग दे सकते हो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और पोस्टुलेट फिफ्थ में आप नोट्स में लिख सकते हो द फर्स्ट टू फोर्थ पोस्टुलेट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेयर एज फिफ्थ वन डील्स विद द टाइम डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। इस लाइन का क्या मतलब है वो समझो। देखो
पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट पोस्टुलेट से लेके फोर्थ पोस्टुलेट तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया उसमें हमने ये अज्यूम किया है कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है या एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हमने सारे कंसेप्ट डेवलप किए हैं, यानी टाइम चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट तक से लेकर फोर्थ पोस्टुलेट तक हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने अज्यूम किया है कि टाइम कांस्टेंट है। बट जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है उसमें अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं अगर टाइम चेंज हो रहा है या वेरी कर रहा है तो फिजिकल सिस्टम की स्टेट या फिजिकल सिस्टम का वेव फंक्शन या फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन की हेल्प से जो भी हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या चेंज आएगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट फिफ्थ में। ठीक है, फिर आगे मैंने लिखा है द टाइम डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय द इवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन इन टाइम बाय द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इस लाइन का क्या मतलब है, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है क्वांटम मैकेनिक्स में तो उसके लिए पहले मुझे एक ऐसा वेव फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा जो टाइम पे डिपेंड करे, और ऐसे वेव फंक्शन की कैलकुलेशन के लिए मुझे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, यही इन लाइनों का मतलब है। अब ये सब होगा कैसे वो भी समझते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम जब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी ई देता है और वेव फंक्शन को अनचेंज होने देता है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं एनर्जी को भी एनर्जी ऑपरेटर ट्रीट करूं, यानी यहां पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहां एनर्जी नहीं है, ये एक्चुअली एनर्जी ऑपरेटर है और जिसका एक्सप्रेशन होता है आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी, यानी एच साई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल्टा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता, ये होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में जो डेल्टा स्क्वायर है वो क्या है, डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, यही तो है। तो सिंपल सी बात है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है, और जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो हमारा वेव फंक्शन एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तो आना ही चाहिए प्लस फंक्शन ऑफ टाइम भी आना चाहिए, बिकॉज इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्लियर हो रहा है ये कि जो वेव फंक्शन साई का जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्स के टर्म में आएगा, वाई के टर्म में आएगा, जेड के टर्म में आएगा प्लस टाइम के टर्म में भी आएगा, क्लियर हो रही है बात। अच्छा, ये तो रही इसी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा टाइम पे भी डिपेंड करेगा, बट वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन होगा कैसा वो भी देखते हैं। देखो, हम ये तो जानते ही है कि जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होगा तो टोटल एनर्जी ई देगा। देखो दोनों में फर्क है, यहाँ ई कैप दिखाया है यहाँ ई दिखाया है, ई कैप मीन्स एनर्जी ऑपरेटर, ई मीन्स एनर्जी आइगन वैल्यू, तो ई क्या है यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे ई क्या है एनर्जी आइगन वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा एनर्जी आइगन वैल्यू, तो वो होगा ई इंटू साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने लिखा है और यहां मैंने बता दिया वेयर जो हमने ई यूज किया है वो क्या है एनर्जी आइगन वैल्यू है। अच्छा, यहां से वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कैसे, देखो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये पूरे टर्म को पहले लिख लेता हूं आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी और ई साई को बाद में लिखता हूं, अब साई के सारे टर्म एक साइड डेल साई बाई साई अपॉन
ई इंटू ई अपॉन आई एच क्रॉस डेल टी, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी सब चीजें मैं मिटा दूँ। इस इक्वेशन में हम ये तो जानते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है साई, वो डिपेंड कर रहा है पोजीशन कोऑर्डिनेट पे भी और टाइम पे। बट क्योंकि हम वेव फंक्शन साई का पोजीशन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन देख चुके हैं, तो हम पोजीशन कोऑर्डिनेट को इग्नोर करेंगे और सिर्फ वेव फंक्शन साई का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को कैलकुलेट करेंगे। यानी मैं वेव फंक्शन साई के पोजीशन कोऑर्डिनेट को इग्नोर करता हुआ वेव फंक्शन साई का सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को मेजर करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में साई के एक्सप्रेशन को कैसे पुट करूंगा, साई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो नीचे की इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल साई फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन साई फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ई अपॉन आई एच क्रॉस डेल। ठीक है, या इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, डेल साई टी अपॉन साई टी इज इक्वल टू, मैं ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस डेल टी। ठीक है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे एक कांस्टेंट टर्म सी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा लॉग साई इज द फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस प्लस सी। अब इस कांस्टेंट टर्म को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि व्हेन टाइम की वैल्यू अगर जीरो हो, यानी टाइम टी इक्वल टू जीरो हो, तो जो हमारा वेव फंक्शन साई है वो क्या बन जाता है, साई जीरो बन जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, या ऐसे लिख लो साई टी क्या बन जाएगा, साई जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर की इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साई जीरो इज इक्वल टू टी की वैल्यू यहां जीरो पुट करोगे जीरो प्लस सी, यानी सी की वैल्यू क्या हो गई, सी इक्वल टू लॉग साई फंक्शन ऑफ जीरो। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ जीरो मीन्स यहां पे साई टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि टी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन से लॉग साई टी इज इक्वल टू माइनस आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस प्लस लॉग साई जीरो। लॉग साई जीरो को इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा लॉग साई टी अपॉन साई जीरो इज इक्वल टू माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, बाकी चीजें मैं मिटा, तो इस लाइन के बाद आप लॉग को हटा के एक्सपोनेंशियल बना सकते हो, कैसे, साई टी अपॉन साई जीरो लिख के और लॉग को दूसरी साइड भेजोगे तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और पावर में आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा। तो साई टी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, साई जीरो इंटू ई की पावर माइनस आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, तो पोस्टुलेट फिफ्थ की हेल्प से हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी ऐसे फिजिकल सिस्टम की स्टडी करना चाहते थे जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसकी फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ साथ चेंज होती थी। तो ऐसे फिजिकल सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में इस फिफ्थ पोस्टुलेट का यूज करते हैं। इस फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सबसे पहले एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं जो उस फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम उस फिजिकल सिस्टम के लिए एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस वेव फंक्शन की हेल्प से हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू
भी कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हम वेव फंक्शन की हेल्प से उसके चेंज को भी कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन से हमें रिजल्ट क्या मिले। देखो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन साई कैसा हो, C1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 अप टू CN साई n हो, और यहां जो साई 1 साई 2 साई 3 अप टू साई n जो आइगन फंक्शन है वो जो आइगन इक्वेशन फॉलो करते हैं वो आइगन इक्वेशन कैसी हो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन इक्वेशन। यानी जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी साई आई पे ऑपरेट हो और एनर्जी ई आई दे और वेव फंक्शन को अनचेंज रहने दे, इस टाइप की आइगन इक्वेशन अगर ये आइगन फंक्शन फॉलो करे तो मैं आपको बता दूं वेयर यहां आई की वैल्यू आप 1 2 3 4 पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड तक। तो अगर ये आइगन फंक्शन इस टाइप की आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन फॉलो करते हो तो मैं हर एक आइगन फंक्शन के लिए टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई वन पे ऑपरेट होगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू अगर E1 देता है और साई वन को अनचेंज रहने देता है तो साई वन का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, साई वन जीरो इंटू ई की पार, ई के जगह क्या रखनी है, एनर्जी आइगन वैल्यू रखनी है, माइनस आई E1 इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। ये साई वन आइगन फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन हुआ। इसी तरह से आप साई टू आइगन फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हो अगर वो ये आइगन इक्वेशन फॉलो करता हो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए, तो क्या हो जाएगा, साई टू का एक्सप्रेशन साई टू जीरो इंटू ई की पावर माइनस आई, साई टू आइगन फंक्शन के लिए आइगन वैल्यू क्या है, E2, तो यहां पे E2 लिखोगे इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। इस तरह से आप हर एक आइगन फंक्शन के लिए टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो पोस्टुलेट फिफ्थ हमें क्वांटम मैकेनिक्स में यही सब रिजल्ट देता है। इसके बाद भी आप और सभी आइगन फंक्शंस के लिए साई 3, साई 4, साई 5 एंड सो ऑन साई n, इन सभी के लिए टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन इसी तरह से लिख सकते हो। तो आप इसके आगे लिखोगे एंड सो ऑन। ठीक है, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा टाइम डिपेंडेंट आइगन फंक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, साई टी मॉड का स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्चुअली साई टी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू साई टी, ये होता है इसका। ये एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलोगे इसे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल को के प्रोपोर्शनल होती है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसलिए काफी यूजफुल होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। बट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो चाहे टाइम इंडिपेंडेंट हो, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। आप कहोगे कैसे, तो पहले मैं टाइम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, देखो यहां साइड में नोट करते हैं, साई टी मॉड का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करोगे तो पहले साई टी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, साई टी क्या है, ये है। ठीक है, तो साई टी स्टार अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मींस जहां आई है वहां माइनस आई हो जाएगा और जहां माइनस आई है वहां प्लस आई हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, साई जीरो का स्टार, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन हमें पता नहीं है इसलिए स्टार लिख दिया, फिर ई की पार आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस, क्योंकि यहां माइनस आई था तो प्लस आई हो गया। अब वैल्यू पुट कर दू तो रिजल्ट क्या आएगा, साई स्टार जीरो ई की पार आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस इंटू साई जीरो
इंटू ई की पावर माइनस आई ई इंटू टी अपॉन एच प्लस। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव, यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर सेम बट निगेटिव, तो रिजल्ट आएगा ई की पावर जीरो, यानी रिजल्ट आएगा साई स्टार जीरो इंटू साई जीरो। अच्छा देखो साई स्टार टी इंटू साई टी का एक्सप्रेशन क्या लिखा मैंने, साई टी के मोड का स्क्वायर, तो इसको इसी थ्योरी के बेस पे हम ये लिख सकते हैं साई जीरो के मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि साई टी मोड का स्क्वायर इक्वल है साई जीरो मोड का स्क्वायर। मैं आपको बताऊं कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ओवरऑल जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो भी क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। बस यही समझाना था, क्लियर होगी बात। टाइम डिपेंडेंट कब दिखेगा, जब फंक्शन में टी दिख रहा हो, बट जैसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैलकुलेट किया तो फंक्शन में टी तो दिखाई नहीं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। भले वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करे बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्वांटम मैकेनिकली टाइम पे डिपेंड नहीं करती, यानी टाइम इंडिपेंडेंट होती है। बस यही समझाना था। तो फाइनली पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के फिफ्थ पोस्टुलेट से आपको क्या सीखने के लिए मिला, कि आप किसी फिजिकल सिस्टम का टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन आप सिर्फ तभी लिख सकते हो जब आपको उस फिजिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी ई का पता हो। जब आपको उस फिजिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी ई का पता होगा तभी आप उस फिजिकल सिस्टम के लिए एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात। और दूसरी बात ये कि भले हमारे फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन टाइम डिपेंडेंट हो, फिर भी उस आइगन फंक्शन या उस वेव फंक्शन की हेल्प से जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो टाइम इंडिपेंडेंट ही होगी। वही बात मैंने नोट्स में लिखी भी है, हेंस बाय द हेल्प ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन विच डिपेंड अपॉन टाइम, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ वेव फंक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम ऑल्दो वी यूज टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है इफ ए ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन फंक्शन फाई एन गिव्स एन प्लस वन फाई एन वेयर एन की वैल्यू 1, 2, 3 ही हो सकती है। और क्वेश्चन में लिखा है दिस इज एन आइगन इक्वेशन फॉर अ फिजिकल सिस्टम, और जो हमने ये आइगन इक्वेशन लिखी है ये एक फिजिकल सिस्टम के लिए है। देन पहला क्वेश्चन है राइट द आइगन फंक्शंस फॉर ऑपरेटर ए, सेकंड क्वेश्चन है राइट द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन फंक्शन, थर्ड क्वेश्चन है राइट द ऑर्थोनॉर्मल रिलेशन ऑफ ऑल आइगन फंक्शंस। तो मैं आपको बताऊं, आपको क्वेश्चन में एक आइगन इक्वेशन दी है जिसमें ऑपरेटर ए फाई एन फंक्शन पे ऑपरेट होता है और रिजल्ट देता है एन प्लस वन फाई एन। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, इस इक्वेशन के साथ ये भी मेंशन है क्वेश्चन में कि एन की जो वैल्यू होगी वो 1, 2 और 3 ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है राइट द आइगन फंक्शंस फॉर ऑपरेटर ए। अब देखो ए इस फाई एन पे ऑपरेट हो रहा है और फाई एन में एन की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 ही हो सकती है, तो इसका मतलब मेरे पास तीन आइगन इक्वेशन है। पहली आइगन इक्वेशन है व्हेन ए ऑपरेटर फाई वन पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू 2 देगा और फाई वन को अनचेंज रहने देगा, और जब मैं ये कब हुआ व्हेन हम एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, और जब मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो आइगन इक्वेशन क्या बनेगी,
ए ऑपरेटर जब फाइव टू पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू 3 देगा और फाइव टू को अनचेंज रहने देगा। और ऐसी व्हेन एन की वैल्यू आप 3 पुट करोगे इस आइगन इक्वेशन में तो रिजल्ट आएगा जब ए ऑपरेटर फाइव थ्री पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू क्या देगा 4 देगा। एन प्लस वन के फॉर्मूले में 3 रखोगे तो 3 प्लस वन यानी 4 तो रिजल्ट आएगा आइगन वैल्यू 4 और 5 3 अनचेंज रहेगा। इसका मतलब एक ऑपरेटर के लिए ए ऑपरेटर के लिए हम 3 ही आइगन इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इन 3 आइगन इक्वेशन में जो हमें फंक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं वो है 5 1 5 2 एंड 5 3 आर आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन फंक्शन। अब देखो सेकंड का सोल्यूशन क्या होगा, मैंने इस ऑपरेटर ए के लिए जितनी भी पॉसिबल आइगन इक्वेशन हो सकती थी तीनों ही लिख दी हैं। तो आपको दिख रहा है कि जब मैं एक आइगन इक्वेशन, एक जनरल आइगन इक्वेशन जिसमें हम जानते हैं कि जब एक ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो आइगन वैल्यू देता है और वेव फंक्शन को अनचेंज रहने देता है, तो इस टाइप की आइगन इक्वेशन हमें 3 मिल रही है। तो इस आइगन इक्वेशन में साई फंक्शन के अकॉर्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है, इसी तरह से फाइव वन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। यानी फाइव वन वेव फंक्शन के लिए आइगन वैल्यू हमें क्या मिल रही है, लैम्डा की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है। फाइव टू आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, लैम्डा, ये लैम्डा 1 की वैल्यू 2 मिल रही है, लैम्डा 2 की वैल्यू मिल रही है मुझे 3। और फाइव थ्री फंक्शन के करस्पॉन्डिंग इस आइगन इक्वेशन में फाइव थ्री आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो आइगन हमें आइगन वैल्यू हमें मिल रही है वो है 4, ठीक है। आप कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से, ठीक है। तो फाइव वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 2 मिल रही है, फाइव टू के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 3 मिल रही है और फाइव थ्री के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 4 मिल रही है। इसी तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हो लैम्डा 3 इक्वल टू रिजल्ट आ रहा है 4। ये आ रही है आइगन वैल्यू, जनरली आइगन वैल्यू को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब 3 आइगन वैल्यू मिल रही है इसीलिए मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन है, राइट ऑर्थो नॉर्मल रिलेशन ऑफ ऑल आइगन फंक्शन। ऑर्थो नॉर्मल रिलेशन क्या होती है वो मैं बता देता हूं। पहले ये समझ लो कि ऑल आइगन फंक्शन, यहां पे कितने आइगन फंक्शन है, हर एक क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग एक आइगन फंक्शन मिल रहा है। यानी जो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे वो है फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री, ये 3 ही आइगन फंक्शन है। अब इन 3 आइगन फंक्शन के लिए ऑर्थो नॉर्मल रिलेशन लिखूं तो मैं बता दूं कि फाइव वन का फाइव वन के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी 1 आएगा, इसी तरह से फाइव टू का फाइव टू के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी 1 के इक्वल आएगा, और इसी तरह से फाइव थ्री का फाइव थ्री के साथ जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो भी 1 आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अच्छा फाइव वन का फाइव टू के साथ इनर प्रोडक्ट ये 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से फाइव टू का फाइव थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, और इसी तरह से फाइव थ्री का फाइव वन के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। जब फंक्शन सेम होंगे तो इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, जब फंक्शन अलग अलग होंगे तो इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। यही ऑर्थो नॉर्मल रिलेशन होगी सभी आइगन फंक्शन की, क्लियर हो गई बात। मैं अभी भी बता दूं ये इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहां साइड में लिख देते हैं। देखो फाइव वन का फाइव वन के साथ इनर प्रोडक्ट, इसका मतलब मैंने बताया था एक इंटीग्रेशन होता है जिसमें फाइव वन का स्टार फाइव वन का मल्टीप्लाई करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद
जो रिजल्ट आएगा उसे डिराक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्लियर है, दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से दूसरी रिलेशन ले लेते हैं, फाइव वन का फाइव टू के साथ इनर प्रोडक्ट। अब यहां दोनों फंक्शन डिफरेंट है तो इनका इंटीग्रेट, ये सिंबल मतलब ये इनर प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इंटीग्रेशन जिसमें फाइव वन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है और फाइव टू को एज इट इज लेना है और इंटीग्रेट कर देना है, और इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो ये इनर प्रोडक्ट है ये एक्चुअली इंटीग्रेशन, बट मैं शॉर्टकट तरीके से ही दिखा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वेव फंक्शन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू अंडर रूट 3/5 प्लस अंडर रूट 3/10 प्लस 1/10 3, वेयर एक आइगन इक्वेशन भी दी है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब फाइव एन पे ऑपरेट होता है तो आइगन वैल्यू एन स्क्वायर ई नॉट देता है और फाइव एन को अनचेंज वैल्यू देता है। देन क्वेश्चन आपसे पूछा है, फर्स्ट इफ एनर्जी मेजर्ड ऑन स्टेट साई व्हाट वैल्यू विल ऑब्टेन एंड विद व्हाट प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ई इफ एच ऑपरेटर मेजर्ड ऑन स्टेट साई। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम टी, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इफ एनर्जी मेजर्ड ऑन स्टेट साई व्हाट वैल्यू विल ऑब्टेन। पूछा यह है कि आपको एनर्जी को मेजर करना है अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है। सिंपल सी बात है, अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पे ऑपरेट होगा तो इसका मतलब यह है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाइव वन पे भी ऑपरेट होगा, फाइव टू पे भी ऑपरेट होगा और फाइव थ्री पे भी ऑपरेट होगा, बिकॉज वेव फंक्शन साई लीनियर कॉम्बिनेशन है आइगन फंक्शन फाइव वन का, फाइव टू का और फाइव थ्री का, ठीक है। इसका मतलब मुझे रिजल्ट ये पता करने हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब फाइव वन पे ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब फाइव टू पे ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाइव थ्री पे ऑपरेट होगा तो क्या आएगा। बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब साई वेव फंक्शन पे मेजरमेंट करेगा तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो ये वही रिजल्ट होंगे जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाइव वन पे ऑपरेट होगा, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाइव टू पे ऑपरेट होगा, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाइव थ्री पे ऑपरेट होगा, क्लियर हो गई बात। अब इनका ऑपरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस आइगन इक्वेशन की हेल्प से। अगर मैं इस आइगन इक्वेशन में एन की वैल्यू वन पुट करूं तो रिजल्ट आएगा, एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा ई नॉट फाइव वन, ई नॉट फाइव वन, क्लियर होगी बात, क्योंकि एन की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर यानी वन। फिर अगेन अगर मैं एन की वैल्यू टू पुट करूं इस आइगन इक्वेशन में तो टू का स्क्वायर हो जाएगा तो फोर, तो रिजल्ट आएगा फोर ई नॉट फाइव टू। और जब मैं एन की वैल्यू थ्री पुट करूंगा तो इस आइगन इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा 9e0 5। तो कुल मिला के अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है तो हमें आइगन वैल्यू लैम्डा वन देखने के लिए मिलेगी जिसकी वैल्यू ई नॉट होगी, आइगन वैल्यू लैम्डा टू देखने के लिए मिलेगी जिसकी वैल्यू 4e0 होगी, आइगन वैल्यू लैम्डा थ्री देखने के लिए मिलेगी जिसकी वैल्यू 9e0 होगी। तो आप लिख सकते हो इफ हैमिल्टोनियन, पहला आंसर लिख सकते हो इफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच मेजर्ड ऑन स्टेट साई देन वी गेट आइगन वैल्यूज लैम्डा वन इक्वल टू ई नॉट सेकेंड, लैम्डा टू इक्वल टू 4e0 एंड लैम्डा थ्री इक्वल टू 9e0, क्लियर होगी बात।
अच्छा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, एंड व्हाट प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई वेव फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो वो आइगन वैल्यू ई नॉट भी देगा, फोर ई नॉट भी देगा, नाइन ई नॉट भी देगा, बट कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आइगन वैल्यू ई नॉट देगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आइगन वैल्यू फोर ई नॉट देगा, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर नाइन ई नॉट आइगन वैल्यू देगा जब वो इस वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होगा। तो इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में ही बताया है कि प्रोबेबिलिटी का डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है, मैं याद दिला दूं, पी लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, साई आई का इनर प्रोडक्ट साई से इसके मॉड का स्क्वायर अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला बताया था। बट इस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मुझे ई नॉट आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला बनेगा, ई नॉट आइगन वैल्यू कब मिल रही है, जब आइगन फंक्शन फाइव वन है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आइगन फंक्शन फाइव वन का साई के साथ इनर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर अपॉन फिर साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से 4e0 आइगन वैल्यू के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो p ब्रैकेट में 4e0 आप लिखोगे और फॉर्मूला बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 4e0 कब मिल रहा है, जब आइगन फंक्शन क्या है, phi 2 है, तो आप यहां लिखोगे phi 2 का इनर प्रोडक्ट साई के साथ इसके मॉड का स्क्वायर अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात कि कैसे हमें फॉर्मूले बनाने हैं। और लास्ट प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आइगन वैल्यू 9e0, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 9e0 p 9e0। अब 9e0 कब मिल रही है, जब आइगन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं phi 3, तो ये हो जाएगा phi 3 का इनर प्रोडक्ट साई के साथ इसके मॉड का स्क्वायर अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन फॉर्मूला को कैलकुलेट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग आइगन वैल्यू ई नॉट को कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला है फाइव वन का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं यार, फाइव वन का साई के साथ इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि फाई वन का साई के साथ इनर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सीधी सीधी बात है, आपको क्या रखना है, इस वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन में फाई वन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ऑपरेट करना है, यानी देखो जो नंबर है उसको एज इट इज रखना है, जैसे अंडर रूट थ्री बाई फाइव जहां था वहीं, बट फाइव वन ब्रा को फाइव वन कैट के साथ इनर प्रोडक्ट करना, ठीक है। प्लस अगला नंबर क्या था, अंडर रूट थ्री बाई टेन, अंडर रूट थ्री बाई टेन, तो फाइव वन का फाइव टू के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें इस साइड से फाइव वन को ऑपरेट करते जाना है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, वन अपॉन अंडर रूट टेन और फाइव वन का फाइव थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट, समझ में आ रही बात। हमने क्या किया, इस वेव फंक्शन में फाइव वन का इस तरफ से इनर प्रोडक्ट करते चले गए, फाइव वन का फाइव वन के साथ, फाइव वन का फाइव टू के साथ और फाइव वन का फाइव थ्री के साथ इस तरह से। अब क्योंकि ये वेव फंक्शन किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से जो इसके आइगन फंक्शन है वो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को होल्ड करेंगे। इसका मतलब ये कि जब सेम फंक्शन हो तो इनर प्रोडक्ट आएगा वन, और जब डिफरेंट फंक्शन हो तो इनर प्रोडक्ट आएगा जीरो। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइव वन का साई के साथ इनर प्रोडक्ट आएगा अंडर रूट थ्री बाई फाइव, तो यहां लिख लेते हैं अंडर रूट थ्री बाई फाइव के मॉड का स्क्वायर अपॉन। अब
मुझे क्या कैलकुलेट करना है, साई का साई के साथ इनर पूरा, ठीक है, लाइन लंबी बनेगी इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इनर प्रोडक्ट करते ही आपको कैटब्रा नोटेशन यूज करनी है, तो सीधी सीधी बात है, साइवन के सारे एलिमेंट पहले ब्रा में होंगे, फिर उसके बाद साइवन के सारे एलिमेंट कैट में होंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 3/5 फाइवन ब्रा प्लस अंडर रूट 3/10 फाइव टू ब्रा, समझ में आ रहा है, प्लस 1/√10 फाइव थ्री ब्रा, इस तरह से, ठीक है। और इधर कैट में लिखना अंडर रूट 3/5 फाइव वन कैट प्लस अंडर रूट 3/10 फाइव टू कैट प्लस 1/√10 फाइव थ्री कैट। अब समझो इस फाइव वन कैट का मल्टीप्लाई इस फाइव वन ब्रा का मल्टीप्लाई फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री कैट से होगा, तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइव वन का फाइव वन से इनर प्रोडक्ट होगा तो वन मिलेगा, बट फाइव वन का फाइव टू के साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो जीरो, फाइव वन का फाइव थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो जीरो। तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि ये वाले फाइव वन का ये वाले फाइव वन के साथ ही प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे भी रूट 3/5 है और यहाँ पे भी रूट 3/5 है, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस। अब इस लाइन पे आते हैं कि ये फाइव टू ब्रा का इनर प्रोडक्ट फाइव वन कैट फाइव टू कैट फाइव थ्री कैट तीनों से होगा, बट कौन सा इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, फाइव टू का फाइव टू के साथ इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से फाइव टू का फाइव टू के साथ इनर प्रोडक्ट वन आएगा, तो ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 3/10 का मल्टीप्लाई रूट 3/10 से होगा, तो ये 3/10 हो जाएगा। अब देखो अगेन फाइव थ्री का फाइव थ्री ब्रा का इनर प्रोडक्ट फाइव वन कैट फाइव टू कैट फाइव थ्री कैट से होगा, बट एग्जिस्ट कौन सा इनर प्रोडक्ट करेगा, जब फाइव थ्री का फाइव थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट होगा तभी वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा, तो फाइव थ्री का फाइव थ्री के साथ जब इनर प्रोडक्ट आएगा तो रिजल्ट वन होगा, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 1/10, ठीक है। अब इन नंबर को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नीचे 10 होगा और 5 के साथ ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी 10/10 यानी 1, क्लियर हो गई बात, यानी साई साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है, मींस वेव फंक्शन साई एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, तो रिजल्ट आएगा 1 यानी रिजल्ट आएगा 3/5, ठीक है। ऊपर की सब चीजें मैं मिटा रहा हूं। अब 4E0 एनर्जी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऑन स्टेट साई, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फाइव टू इंटू का इनर प्रोडक्ट साई के साथ मोड का स्क्वायर अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट। अच्छा अगेन यहां पे समझो, फाइव टू को इस तरफ से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइव टू का फाइव टू के साथ ही तो इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, यानी नंबर क्या मिलेगा, अंडर रूट 3/10 इसके मॉड का स्क्वायर अपॉन इसका इनर प्रोडक्ट अभी हम देख चुके हैं 1 आएगा, तो रिजल्ट आ रहा है 3/10, ठीक है। अब इसी तरह से 9E0 एनर्जी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऑन स्टेट साई, उसका फॉर्मूला ये है, 5/3 का साई के साथ इनर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट। तो अगेन साई थ्री का जब इनर प्रोडक्ट करोगे तो साई थ्री के साथ ही इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और 1 आएगा, तो ये वाला नंबर ही बचेगा इनर प्रोडक्ट में, तो वो हो जाएगा 1/√10 के मॉड का स्क्वायर अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा ये 1/10। तो हमें समझने के लिए क्या मिला वो समझो कि जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो हमें एनर्जी की वैल्यू E0 भी मिलेगी, 4E0 भी मिलेगी और 9E0 भी मिलेगी, बट E0 मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5, 4E0 एनर्जी मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10 और 9E0 एनर्जी मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। आई होप आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ई इफ एच ऑपरेटर मेजर्ड ऑन स्टेट साइड। तो एवरेज वैल्यू कहने का मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कब कैलकुलेट होगी, जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होगा, साई का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फिर साई के साथ इनर प्रोडक्ट अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला बताया था। बट मैंने इसका एक और फॉर्मूला बताया था, वो था समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक और प्रोबेबिलिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा आई इंटू आइगन वैल्यू लैम्डा आई, ये दो फॉर्मूले लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइगन वैल्यू अगर हमें पता है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल सी बात है, यहां आइगन फंक्शन कितने मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, यानी एन की वैल्यू आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होगी। अच्छा, पहली एनर्जी हमें क्या मिली, ई नॉट, तो ई नॉट के मिलने की प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी ई नॉट प्लस इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी हमें मिली 4 ई नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी 4 ई नॉट इनटू एनर्जी 4 ई नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी 9 ई नॉट इंटू 9 ई नॉट, क्लियर हो गई बात। अच्छा, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो प्रोबेबिलिटी ई नॉट के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बाई 5 इंटू ई नॉट प्लस फिर 4 ई नॉट के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बाई 10 इंटू 4 ई नॉट प्लस 9 ई नॉट के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10 फिर इंटू 9 ई नॉट, क्लियर होगी बात, यहां सॉल्व कर लेते। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या एनर्जी के की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, बात एक ही है, चाहे आप एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख लो चाहे ई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 3/5 ई नॉट प्लस 12/10 ई नॉट प्लस 9/10 ई नॉट इज इक्वल टू, जगह बहुत कम है देखते हैं, तो अपॉन 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 9 इंटू ई नॉट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12, 18 और 18 नॉट 9 27। ठीक है, ये हो गया 27/10 इंटू ई नॉट। ठीक है, यानी कार रिजल्ट लिख लें इधर लिख लेते हैं या यहीं पे लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट आ रहा है 27/10 ई नॉट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये जो आंसर आया है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आया, तो अभी हम सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से अभी कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूले की हेल्प से भी तो यही सॉल्यूशन आना चाहिए अगर ये फॉर्मूला सही है। तो पहले हम साई एच इंटू साई का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले मुझे क्या करना है, इस साई को कैट में ही रहने देना है और ब्रैकेट लगा के इस एच को इस साई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा अंडर रूट 3/5 एच फाई 1 फिर प्लस अंडर रूट 3/10 एच फाइव टू प्लस 1/10
एच फाइव थ्री, ठीक है। इसको फाइव वन, फाइव टू और फाइव थ्री को कैट के अंदर लिखना, ठीक है, क्योंकि हम कैट ब्रा नोटेशन में ही काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाइव वन पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट आएगा, आपको पता है, लिख लेना, तो अंडर रूट थ्री बाई फाइव, अंडर रूट थ्री बाई फाइव पहले का रिजल्ट आया ई नॉट फाइव वन प्लस, सेकंड का रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट थ्री बाई टेन फोर ई नॉट फाइव टू कैट प्लस, लास्ट का रिजल्ट क्या होगा, नाइन ई नॉट, ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट टेन नाइन ई नॉट इंटू फाइव थ्री कैट, ठीक है, इस तरह से। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं साई का एक्सप्रेशन खोल दू, ठीक है, यहां लंबी जगह हमें चाहिए, तो साई का एक्सप्रेशन खोले तो क्या है, अंडर रूट थ्री बाई फाइव फाइव वन ब्रा प्लस अंडर रूट थ्री बाई टेन फाइव टू ब्रा प्लस अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट टेन फाइव थ्री ब्रा, ये आया, ये मैंने साई ब्रा का एक्सप्रेशन खोला है। फिर अंडर रूट थ्री बाई फाइव ई नॉट फाइव वन कैट प्लस अंडर रूट थ्री बाई टेन फोर ई नॉट फाइव टू कैट प्लस अंडर रूट वन बाई टेन नाइन ई नॉट फाइव थ्री कैट। अब देखो कौन से इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, देखो फाइव वन का फाइव वन के साथ इनर प्रोडक्ट वन आएगा तो वही लिख लो, तो अंडर रूट थ्री बाई फाइव अंडर रूट थ्री फाइव फाइव, तो क्या हो जाएगा थ्री बाई फाइव इंटू ई नॉट प्लस। दूसरा इनर प्रोडक्ट कौन सा एग्जिस्ट करेगा, फाइव टू का फाइव टू के साथ, तो आगे की जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टेन रिजल्ट आएगा और मल्टीप्लाई होगा फोर ई नॉट के साथ प्लस फाइव थ्री का फाइव थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट वन आएगा तो रिजल्ट आएगा वन बाई टेन इंटू नाइन ई नॉट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा टेन सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस नाइन इंटू ई नॉट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन बाई टेन ई नॉट। तो हम देख रहे हैं कि या तो आप इसका यूज करके, ठीक है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक और लाइन लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, साई एच साई का इनर प्रोडक्ट अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, साई एच साई का जो इनर प्रोडक्ट आया वो आया 27 बाई 10 इंटू ई नॉट आया और साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं वन है, तो रिजल्ट क्या आया 27 बाई 10 इंटू ई नॉट, ये रिजल्ट आया। तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला या एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आप या तो ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो, आपके पास जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम टी। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी आइगन फंक्शन फाइव एन पे ऑपरेट होता है तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमें मिल रही है, इसका मतलब मुझे हर एक आइगन फंक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू पता है, और अगर मुझे हर एक आइगन फंक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू पता है तो मैं हर एक आइगन फंक्शन को टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं आइगन फंक्शन को टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं इसका मतलब मैं वेव फंक्शन को भी टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, जो कि हमें क्वेश्चन में भी पूछा है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले अगर आप h को phi1 पे ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट आता है e नॉट phi1, ठीक है, यानी एनर्जी आइगन वैल्यू हमें क्या मिल रही है, e नॉट मिल रही है, और जब h ऑपरेटर phi2 पे ऑपरेट होता है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिल रही है हमें, फोर ई नॉट मिल रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता है कि h जब 5-3 पे ऑपरेट होगा तो 9 e नॉट एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक मेरे पास फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो एक ऐसा फंक्शन जो टाइम t इक्वल टू 0 पे लिखे और उसका मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल टर्म से करें और पावर में माइनस आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा। ई क्या है? एनर्जी है। अब एक एक करके लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइव वन टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? फाइव वन जीरो ई की पावर माइनस आई। फाइव वन की एनर्जी कितनी है? फाइव वन आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है? ई नॉट है, तो आई ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। इसी तरह से फाइव टू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइव टू इंटू ई की पावर माइनस आई। फाइव टू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है? फोर ई नॉट, तो आई इंटू फोर ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। फाइव थ्री का एक्सप्रेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? फाइव थ्री जीरो ई की पावर माइनस आई। फाइव थ्री के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है? एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है? नाइन ई नॉट है इंटू टी अपॉन एच। तो हमें फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री के टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन मिल गए हैं। तो साई का देन यहां पे लिख लेते, देन साई टी का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन क्या होगा? अंडर रूट थ्री बाई फाइव फाइव वन टी प्लस अंडर रूट थ्री बाई टेन फाइव टू टी प्लस वन अपॉन अंडर रूट टेन फाइव थ्री। और फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री की वैल्यू हमें पता है, टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन पता है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? साई टी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई फाइव फाइव वन जीरो इंटू ई की पावर माइनस आई ई नॉट टी अपॉन एच क्रॉस प्लस अंडर रूट थ्री बाई टेन फाइव टू जीरो ई की पावर माइनस आई फोर ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस प्लस वन अपॉन अंडर रूट टेन फाइव थ्री जीरो ई की पावर माइनस आई नाइन ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर थ्री। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इज एच इज इक्वल टू ई नॉट, एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 0 0 0 2 0 0 0 3 है। आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट आइगन वैल्यूज, आपको इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स। अब यहाँ फंक्शन नहीं है क्योंकि आपका ऑपरेटर एक मैट्रिक्स है, इस वजह से यहाँ आपको आइगन फंक्शन नहीं मिलेगा, अब आइगन वेक्टर मिलेगा जो एक मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी, देखेंगे कैसे आएगा। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच ऑन स्टेट साई, साई देख लो आप एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि अगर ऑपरेटर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उसके उसके वेव फंक्शन एक कॉलम मैट्रिक्स होंगे जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं, उसके आइगन फंक्शन भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे जिन्हें हम आइगन वेक्टर्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ साई 2 3 5 की कॉलम मैट्रिक्स है एट एनी स्टेट एंड एट एनी टाइम टी। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि आपको दिया है सिर्फ एक ऑपरेटर और इस ऑपरेटर की हेल्प से आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला, ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। दूसरा, ऑपरेटर के लिए आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना है। तीसरा,
ऑपरेटर के लिए किसी स्टेट साई पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि जो वेव फंक्शन हमने साई लिया है उस वेव फंक्शन का हमें टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए आइगन इक्वेशन लिखूंगा तो क्या इक्वेशन बनाऊंगा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब फाई पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू लैम्डा देगा और फाई को अनचेंज रहने देगा। ठीक है, यह इसको और अच्छी तरीके से लिखे तो एच माइनस लैम्डा फाई इज इक्वल टू जीरो ऐसा लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि यह आइगन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर माइनस लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू फाई इज इक्वल टू जीरो। ये मैट्रिक्स के लिए आइगन इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात, अब काम कैसे करेगी वो समझो। तो पहले मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं ई नॉट 100 020 003। ठीक है, फिर लैम्डा, लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यूज है, अभी हमें पता नहीं है लेकिन कैलकुलेट करनी है। फिर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है क्योंकि ऑपरेटर 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की होगी। ठीक है, याद रखना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 100 010 001। ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा सा लगा के यहाँ 515 लिखेगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ई नॉट 0002 E0 0003 E0 माइनस ये हो जाएगा लैम्डा 0000 lambda 0 00 lambda। ठीक है, और बाहर फाई इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, ये ई नॉट माइनस लैम्डा 0 0 फिर क्या हो जाएगा 0 2 E0 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 E0 माइनस लैम्डा। ठीक है, इस तरह की हमें एक मैट्रिक्स मिली 3 E0 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसे मैट्रिक्स भी नहीं लिखते हैं, डिटरमिनेंट में लिखते हैं। ठीक है, यह फाई इक्वल टू जीरो क्योंकि हम जानते हैं कि किसी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन 0 के इक्वल तो नहीं होगा, फाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो किसके कौन 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे डिटरमिनेंट में लिखे तो ये क्या हो जाएगा E0 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 E0 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 E0 माइनस लैम्डा। इस तरह से आप फिर फाइनली इसे डिटरमिनेंट में लिख लोगे। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूं, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा ई नॉट माइनस लैम्डा इंटू 2 E0 माइनस लैम्डा इंटू 3 E0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात, तो सीधी सीधी बात है लैम्डा की हमें तीन वैल्यू मिल रही है, पहली ई नॉट, दूसरी 3 E0 और तीसरी दूसरी 2 E0 और तीसरी 3 E0। तो ये क्या है, आइगन वैल्यूज है। तो आप लिख सकते हो हियर E0, 2 E0 एंड 3 E0 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर H। ये क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था, आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स
अब देखो आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए अगेन मुझे आइगन इक्वेशन चाहिए। आइगन इक्वेशन क्या होती है, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू लैम्डा देगा और फंक्शन अनचेंज रहेगा, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मैट्रिक्स में है तो इस वजह से आइगन वैल्यू तो मैट्रिक्स में नहीं मिलेगी लेकिन आइगन फंक्शन मैट्रिक्स में जरूर मिलेगा, देखते कैसे। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू जब आप ई नॉट पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब फाई वन पे ऑपरेट होता है तो आइगन वैल्यू ई नॉट देता है और फाई वन को अनचेंज रहने देता है, ये थ्योरी लगाएंगे। तो थ्योरी लगाओगे तो सीधी सीधी बात है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट करो तो ये ई नॉट जीरो 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 टू ई नॉट जीरो 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 थ्री ई नॉट। फाई वन की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है फाई वन की वैल्यू, ठीक है, इनटू ई नॉट और फाई वन की वैल्यू हमने अज्यूम की है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, यहां लेट लिख देना फाई वन इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की कॉलम मैट्रिक्स अज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा, याद रखना कॉलम मैट्रिक्स हमेशा थ्री एलिमेंट की होगी अगर हमारा ऑपरेटर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का है, क्लियर हो गई बात। तो अब इसका इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री ई नॉट एक्स वन, फिर हो जाएगा टू ई नॉट एक्स टू, फिर हो जाएगा थ्री ई नॉट एक्स थ्री इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा ई नॉट एक्स वन ई नॉट एक्स टू ई नॉट एक्स थ्री, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है, वहां से अगर आप समझो तो जब ई नॉट एक्स वन इज इक्वल टू ई नॉट एक्स वन, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट टू ई नॉट एक्स टू इज इक्वल टू ई नॉट एक्स टू, ये कब हो सकता है, जब x की वैल्यू x2 की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए, और 3e0 x3 इज इक्वल टू e0 x3, ये भी कब ट्रू होगा, जब x3 की वैल्यू जीरो होगी, क्लियर हो गई बात। यानी इंप्लाइज दैट फाई वन की जो वैल्यू हमें मिली, जो आइगन वेक्टर जो हमें मिला वो था x1 जीरो जीरो, क्लियर हो गई बात। अच्छा, क्योंकि ये आइगन फंक्शन है तो ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को होल्ड करेगा, अगर हम ये कह रहे हैं ये एक आइगन वेक्टर है तो इसका मतलब फाई वन का फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, वन के इक्वल होगा। अच्छा एक बात बताऊं कि अगर देखो सीधी सीधी बात है, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो, मैं वो चीजें मिटा रहा हूं। अगर फाई वन की वैल्यू फाई वन कैट को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लिख रहा हूं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में फाई वन ब्रा को हम लिखते हैं रो मैट्रिक्स से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से, समझ गए, नोटेशन मैंने आपको बता दी, इंप्लाइज दैट एक्स वन का एक्स वन के साथ इनर प्रोडक्ट आना चाहिए वन, यही क्वांटम थ्योरी हमें कहती है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हमें यही कहते हैं। तो फाई वन ब्रा की वैल्यू क्या होगी, एक रो मैट्रिक्स होगी, तो फाई वन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वन जीरो जीरो, यानी ट्रांसपोज है ये एक्चुअली। फिर फाई वन कैट क्या हो जाएगा, एक्स वन जीरो जीरो, ठीक है, क्योंकि फाई वन का फाइनल एक्सप्रेशन हमें ये मिला, क्योंकि फाई वन के केस में एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली, क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो सिंपल सी बात है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर की वैल्यू वन, इंप्लाइज दैट एक्स वन की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, ठीक है, प्लस माइनस वन आ रही है, हम वन ले रहे हैं, ठीक है। तो
कुल मिला के हमने फाइव वन का फाइनल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, वो क्या आ रहा है 100 आ रहा है। ये आइगन वेक्टर है किसके लिए, व्हेन आइगन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, ई नॉट मिल रही है। क्लियर रहना इस बात से, ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लो। आइगन वैल्यू हमें देखो लैम्डा की वैल्यू ई नॉट मिल रही थी, 2E0 मिल रही थी और 3E0 मिल रही थी, ठीक है। जब मैंने आइगन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू ई नॉट ली तो मुझे आइगन वेक्टर क्या मिला, 51 मिला, जिसकी वैल्यू 100 ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो, 2E0 हो, तो हमें 52 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखना जरूरी है। तो आगे क्या सब थ्योरी अप्लाई करेंगे आइगन इक्वेशन की हेल्प से। जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर 52 पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू क्या देगा, 2E0 देगा और 52 को अनचेंज रहने देगा। अगेन मैं यहां अजूम कर रहा हूं, लेट 52 की वैल्यू क्या है, x1 x2 और x3 है, ठीक है, ये अजूम कर रहे हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट 0 0 0, 2E0 0 0 0, 3E0। 52 की वैल्यू अप्लाई करो तो ये हो गया x1 x2 x3, ये क्या हो गया 2E0, फिर 52 की वैल्यू x1 x2 x3। इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 3E0 x1 2E0 x2 3E0 x3 is equal to 2E0 x1 2E0 x2 2E0 x3। यहां से क्या पता चला कि E0 x1 की वैल्यू 2E0 x1 है, अगर ऐसा है तो x1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। 2E0 x2 की वैल्यू 2E0 x2 के इक्वल है, इसका मतलब x2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, और 3E0 x3 की वैल्यू 2E0 x3 के इक्वल कब होगी, जब x3 की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। इससे यह पता चला कि 52 की वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या होगी 0, x2 की वैल्यू नॉन 0, x3 की वैल्यू 0, ठीक है। इसका मतलब 52 कैट का एक्सप्रेशन होगा 0 x2 0 और 52 ब्रा का एक्सप्रेशन होगा रो मैट्रिक्स 0 x2 0। तो ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन होल्ड करेगा, इसका मतलब 52 का इनर प्रोडक्ट 52 के साथ कैसा होगा, तो पहले आएगा ब्रा, ब्रा कैसा है 0 x2 0, फिर आएगा कैट, वो क्या है 0 x2 0 और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी 1 के इक्वल आएगी, पता है ना आपको। तो यानी x2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी x2 की वैल्यू 1, मैं पॉजिटिव केस ले रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब 52 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0 1 0 की कॉलम मैट्रिक्स, यानी 52 का आंसर क्या हो गया 0 1 0, ठीक है। इसको पॉज करते हैं। जब आप सेम टेक्निक का यूज करते हुए आइगन वैल्यू 3E0 के लिए आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करोगे तो 53 की वैल्यू आपको 0 0 1 देखने के लिए मिलेगी। क्लियर हो गई बात, आप खुद करके देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये तीनों आंसर है, ये तीनों आंसर किसके, आंसर सेकंड के। अब थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच ऑन स्टेट साइज। तो देखो एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, साई एच साई का इनर प्रोडक्ट अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले
साई कैट को हम सिंपली कैसे लिखेंगे, 2, 3, 5 से लिखेंगे। तो साई ब्रा को कैसे लिखेंगे, रो मैट्रिक्स हो जाएंगे 2, 3, 5 की रो मैट्रिक्स। इसका मतलब साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, रो मैट्रिक्स 2, 3, 5 इंटू कॉलम मैट्रिक्स 2, 3, 5। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 9 + 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 34, यानी ये हो जाएगा 34 + 38। क्लियर हो गई बात, यानी साई के साई का साई का साई के साथ एनर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, 38 मिल रहा है अपॉन में 38। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, साई का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू साई के साथ इनर प्रोडक्ट। तो देखो पहले साई ब्रा है तो इसकी कॉलम रो मैट्रिक्स होगी 2, 3, 5 की रो मैट्रिक्स। फिर एच क्या है, एक्चुअली मैट्रिक्स है 3x3 की, वो है ई नॉट 0, 0, 0, 2E0, 0, 0, 0, 3E0, ये है इनटू क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स 2, 3, 5। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले 2, 3, 5 की रो मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दो, फिर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2E0 होगा प्लस 6E0 होगा, फिर 15E0 होगा। ठीक है, अब फिर करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 4E0 प्लस 18E0 प्लस 75E0 होगा। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां साइड में ऐड कर लेते हैं, 18, 75 और 4, तो ये क्या हो गया, 97 E0। ठीक है, ये क्या आया, साई एच साई का इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों रिजल्ट एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूं। ठीक है, साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 38 मिल रहा है, और साई एच साई का इनर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 97E0 मिला है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर उसके बाद आगे करते हैं। देखो मैंने तो चेक कर लिया है, लेकिन आप लोग चेक कर लेना, अगर कोई गलती हो तो खुद ही सही कर देना, मेरा काम है मेथड बताना। ठीक है, वैसे तो मैंने चेक कर लिया, दोनों आंसर ऐसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना 97E0, ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। क्लियर हो गई बात, इसको मैं मिटा। लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ साइन 2, 3, 5 कॉलम मैट्रिक्स एट एनी टाइम टी। आपको इस स्टेट को टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको बताऊं कि इस स्टेट के लिए आपको एनर्जी की आइगन वैल्यू पता है, आप कहोगे कैसे। देखो सिंपल सी बात है, ये साई क्या है 2, 3, 5 ऐसे लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 100 + 3 × 010 फिर 5 × 001 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये स्टेट क्या है एक्चुअली, 2, 5, 1 + 3, 5, 2 + 5, 5, 3 है। यानी एक्चुअली जो ये स्टेट साई है वो आइगन स्टेट 5, 1, 5, 2, 5, 3 से मिलके बनी है, और ये आइगन स्टेट के लिए मुझे एनर्जी का पता है। देखो आइगन स्टेट 5, 1 के लिए एनर्जी E0 है, आइगन स्टेट 5, 2 के लिए एनर्जी 2E0 है, आइगन स्टेट 5, 3 के लिए एनर्जी 3E0 है, यानी मुझे हर एक आइगन स्टेट की एनर्जी का पता है। तो
फाइव वन का टाइम डिपेंडेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, फाइव वन इज इक्वल टू फाइव वन जीरो ई की पार माइनस आई ई इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। यहां ई क्या होनी चाहिए, एनर्जी फाइव वन स्टेट में, तो फाइव वन स्टेट में एनर्जी क्या है, ई नॉट, तो यहां लिखोगे ई नॉट, ठीक है। इसी तरह से फाइव टू का टाइम डिपेंडेंट फॉर्म क्या होगा, फाइव टू टी इज इक्वल टू फाइव टू इंटू फाइव टू जीरो ई की पावर माइनस आई ई। अब फाइव टू स्टेट में एनर्जी हमें कितनी मिलती है, टू ई नॉट मिलती है, तो यहां क्या लिखोगे, टू ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। ऐसी फाइव थ्री स्टेट की टाइम डिपेंडेंट फॉर्म क्या होगी, e की पावर माइनस आई। फाइव थ्री स्टेट में एनर्जी हमें क्या मिलती है, थ्री ई नॉट मिलती है, तो क्या होगा, थ्री ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। यानी स्टेट साई, इसका मतलब स्टेट साई की टाइम डिपेंडेंट फॉर्म क्या होगी, टू इंटू फाइव वन जीरो ई की पावर माइनस आई ई नॉट टी बाई एच क्रॉस प्लस थ्री फाइव टू जीरो ई की पावर माइनस आई टू ई नॉट टी अपॉन एच क्रॉस प्लस फाइव फाइव थ्री जीरो ई की पावर माइनस आई थ्री ई नॉट टी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर फोर होगा, ठीक है, नोट कर। इसके बाद भी आप इस टाइम डिपेंडेंट फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, आप कहोगे कैसे, देखो जो ये 51, 52, 53 का जो एक्सप्रेशन है ये टाइम इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है। इसका मतलब 510 का जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली 100 की मैट्रिक्स है। इसी तरह से 520 का जो एक्सप्रेशन है वो है 010 की मैट्रिक्स, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस वजह से इनके एक्सप्रेशन ये बन जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 001 इसका मतलब जब ये एक्सप्रेशन टाइम इंडिपेंडेंट है तो इनके एक्सप्रेशन मैं पुट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इनके एक्सप्रेशन यहां पुट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, साई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू ई की पावर माइनस आई ई नॉट टी अपॉन एच क्रॉस प्लस 3010 इंटू ई की पावर माइनस आई 2 ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस प्लस 5001 इंटू ई की पावर माइनस आई थ्री ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। तो ये भी आपका, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। एक और आंसर बना सकते हैं, ठीक है, ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूं। या साई टी का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू ई की पावर माइनस आई ई नॉट टी अपॉन एच क्रॉस, दूसरा एक्सप्रेशन होगा 3 ई की पावर माइनस आई 2 ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस, 5 ई की पावर माइनस आई 3 ई नॉट इंटू टी अपॉन एच क्रॉस। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी आंसर है। मतलब क्वेश्चन नंबर फोर के आप तीन आंसर अलग अलग तरीके से दे सकते हो, पहला क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर, दूसरा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर और तीसरा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स
हमें क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या बताते हैं और उन पोस्टुलेट का यूज हमें किस तरीके से करना है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।